आ गए हैं YouTube पे लाइव बहुत ही बढ़िया चेक कर लेने दो चल रहा हम, चल्रे चल्रे ना, हम ना, बस पे रुक मेरे को भी नहीं हम लाइव हो गए हैं वी आर लाइव एंड हाँ बिल्कुल सब बढ़िया चल रहा है वो बैकेंड में गलत दिखता है

हाँ भाई चैट क्या हाल है जनता क्या हाल चाल है क्या कर रहे हो तुम आजकल अबे लेट तो घंटा नहीं है मुंह पे लगेगा चाटा ठीक है पहली बार भाई पूरे टाइम पे आ चुके हैं हम दूसरी बात जिस जिसने प्री रिकॉर्डेड बोला ना उसके मुंह पे लगेगा चाटा सबसे पहली बात दूसरी बात है सॉरी पहली बार दूसरी घंटा हाँ याद रखना

भाई यार। कमाल है भाई यार ऐसी ऐसी बातों पे <laughs> खुश हो जाता है यार तुम अंदर से यार है छोटी छोटी खुशियां तो चाहिए यार जीवन चाहिए क्या तुम्हें अच्छा ये वाली और लिख दो लुक्स विराट कोहली वेदांत <laughs> खुश को खुशी मिल जाएगी तूने वो वीडियो जो मैंने भेज दिया देर पहले मैं समझ नहीं पाया उसमें क्या हो रहा था उसको भाई वो उसकी पॉन की है पॉन की क्लिप है जो नेशनल टेलीविजन पे प्ले हो रही है जहां पे कुछ भी पोर्नोग्राफिक नहीं दिख रहा वो बस मतलब राइट दैट पुट इट इज लेट्स बी रियल लेट्स नॉट बी फक द्रासनेस राइट एंड दुट इट अपर टू हर टू पॉइंट टू हर विच रनआउट टू पॉइंट

कि इंडिया में उस, उस भी आते हैं आई वांट आई वांट हिम टू बी अ पार्ट ऑफ इट टू श्वेता ही इज गोइंग टू बी अराउंड इन 5 मिनट्स और सो बट उससे पहले हम जस्ट लाइक वार्मिंग अप खाना खा के आ रहे हैं खाना उसको आ जाने दे ब्रो मजा तभी आता है जब तीनों बैठे हैं ठीक है बात पर आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग बट लाइक मैं आई एम Isn't Mia खलीफा story like she regretted being in pawn afterwards जब वो छोड़ थी या कि ऐसा कुछ है ना सच्चा सच्चा it's such a complicated story मतलब it's not complicated ठीक है तो जो तू Mia पे video क्यों नहीं बनाता

it नहीं looks हाँ, like नहीं। it right मतलब वो जो हंड्रेड लग रहा है वो इंट्रो जो होती है ना कि she's talking right या live I, session चल रहा है कोई I hmm. even think जितना मेरे को देखने से लगा because it's a very quick मेरे को किसी friend के Instagram story पे मिली हो बाय द मैंने खुद नहीं record की थी uh. Yeah, it looks like she's being banged from behind or unhone usko aise cut kar diya where you just see her face and she's smiling <laughs> and laughing kind of a thing i mean it's possible but it's just like what are we pointing towards when we are doing that i was just talking to vedant about that this is how we identify people now

You get it? So तो I'm just हुँ. like wow. तो मतलब कल का दिन like, बैठ के नॉट बड़ा था <laughs> भाई कल, कल क्या हो रहा है एक तरफ Twitter पे चल रहा है कुछ कि ये सही है ये गलत है एक तरफ कुछ और चल रहा है एक तरफ मैं बीच में कह रहा हूँ मैंने बहुत सारा खर्चा किया बताओ मैंने क्या दिया ये चीजेंट को साइड में रखते हैं ये तो पॉइंट है ट्विटर पर लड़ाई हो रही है तो फॉलो ही नहीं किया जान

या तो यहां से एक बात है ये बात जरूर करनी है आज हम पहले वार्म अप भी हो सकते हैं उससे पहले एक हॉट और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है रॉयन रियल सेक्स स्टोरीज yeah. क्योंकि बहन की ये, <laughs> क्या ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है सुनी? ये? नहीं मैंने मतलब एक आद सुन के मैंने देखा था, था, है यार, था यार, नहीं, ऐसे मैंने, नहीं मैंने नहीं, 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 नहीं सुनी मैंने देखा तो कुछ यू नहीं कर रही क्रिएटिव हो गया इंसान की स्टोरी बना दी बिल्कुल वो नहीं था तो जस्ट रैंडम सेक्सोरी ऑडियंस जस्ट फॉर दी कॉन्टेक्स दी ऑडियंसो तीन लोग हैं उसमें हाँ हाँ नहीं उसमें एक पॉडकास्ट है जो स्पॉटीफायर पर हमेशा ट्रेंड करता रहता है

For the... <laughs> इतना फैसिनेटिंग था ना वो हमारी <laughs> शक्ल हटा के कुछ कैरेक्टर्स की शक्ल लगा रखी है उसमें रॉय साइड में कर रखा है बहुत बड़ा बड़ा सेक्स दिख रहा है और वो ट्रेड भी कर रहा है इंडिया में नहीं तो ये चैनल बेसिकली रूप मतलब हर थोड़े दिनों में अपना नाम वाम बदल लेता है रेलिवेंट रहने के लिए

ये ये थी ऑफरिंग ऑफरिंग बंदा है 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 जो इसकी है कि जो कि मैं काम कर सकता वो हाँ, हाँ, सुनाना उसमें अपने गुरु की शकल डाल के, हाँ, इसको बुलाते जिसने बनाया होगा ना उसको सब चोदू बुलाते होंगे <laughs> बातें करता होगा भाई अपने दोस्तों के साथ बैठ के हाँ हाँ हर बात के चली जाती है उनकी यार दोस्त एक दोस्त था मेरा वो उसके साथ क्या था जब भी तुम्हें घर आ जाएगा दो घंटा बैठेगा बेसिकली हाँ, अच्छा तो हाँ, हाँ, तो लेकिन कम दो सौ सिनरियो देगा दो घंटे में यानी कि हमारा एक तीसरा फ्रेंड है उसका नाम है पंकज ठीक है जैसे भाई हम लोग बड़े हो गए ठीक है पंकज की शादी हो गई तुम घर जाते हो और फिर पंकज की बीवी सो रही है और पंकज घर पे नहीं है तो तुम क्या करोगे वो महाका लौड़ा तुम्हारे दो घंटा तुम्हारे पागल बैठ गएगा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट।

भाई इसके साथ और, एक और कैरेक्टर लिख दो जिसको पसंद आया हुआ है आपको हाँ। सही कैस करना है आंसर हाँ। कर देगा वो, वो याद है जो सलमान खान वाला आता जिस है जिसमें कितने प्रतिशत है वो बीवी बहन जिस जो मतलब रूम में नहीं है उसका पूरे खानदान देगा वो और ऐसा भी नहीं एक बातें चल लिया बिल्कुल ऑब्जेक्टिवलीनुअन क्यूरियोसिटी थी वो यही सोचता रहता है

ऐसे ही कोई इंसान है जिसने बनाया हुआ है तो हर हफ्ते ट्रेंडिंग टॉपिक उठाता होगा नाम चेंज कर देता होगा अगर हम आज था हमारे लिए तो ठीक तो है <laughs> क्या कर सकते हैं ऐसा है बो, हम बट ऐसा कमाएगा कैसे ये ऐसा इंसान ये जो उसको तो सेक्स स्टोरीज वाला है वो youtube पे कमा रहा होगा youtube पे व्यूज लेके हो सकता है पता नहीं व्यूज आते हो एडसेंस आता नहीं आता नहीं नहीं आ सकता सेक्स वर्ड डाल दो एडसेंस गया अच्छा

अभी भी करते हैं लेकिन हाँ, मतलब उस ताँग, उस टाइम टाइम जब मतलब प्राइमरी ही एक पांच सात साल के बैंड में होती थी में तुम, मैं years, मेरे को याद है, उस दौरान मैंने रियलाइज कर लिया था कितना रिडंडेंट है फेसबुक पे आर्ग्यू करना और मेरे को लगता है मैं, मैंने नहीं बहुत लोगों ने रियलाइज कर लिया था पर मेरे को लगता है जो उसके बाद इन टेक्नोलॉजीज पे आए ना या तो हमसे बहुत छोटे दस साल छोटे लोग या हमसे बीस साल बड़े

हाँ। जो उनसे रो रहा है कमेंट में क्योंकि अब कोई या तो इधर भी लीव करता है दुनिया तो यही है राइट ये या तो वो तो अगर कोई ये बिलीव कर रहा है, वाले कर देगा कि भैया ला ला ला, ला। और सब लोग उसी के अपने दोस्त ही भिड़ जातेमेंट्स तो तो में तुम्हारे भाई लेकिन ये जो था मेरे भाई मतलब भाई भाई में लेकिन इतना पैसे स्कूल के ग्रुप में हो रहा था

कमेंट्स में देयर लिविंग टू फाइट जिनके फोन में स्क्रीनशॉट्स भरे हुए हैं लिंक्स सेव्ड हैं नोट्स में एंड वो तैयार हैं ऑल डे व्हाट डू इज बैटल एक तो वो हो गया और एक है कि भाई अगेन कि तुम्हें किसी ने टैग करके डाल दिया है फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें छोटा सा बताता हूँ तुम चार लोगों का ग्रुप है ठीक है hmm. चारों का ग्रुप है तो तुम्हें पता है कौन किसकी लेनिंग लीन, क्या है राइट अब एक न्यूज मिली जहां तुम्हारा दोस्त था तो दोस्त है लेकिन चल रही है तो तुमने उसको नीचे कॉमेंट कर दिया देख भाई मैंने बोला था ना ये कर दें लोग अब। अब वो जो का तुमसे दोस्ती है हमको क्या समझ समझे तो ये चीज बहुत ज्यादा होती है कि मुझे प्रूव करना है सामने वाले को तो मैं कमेंट्स के नीचे नहीं करके तो इंसान पॉइंट में कहना घसीटा वाला टाइम आ गया आदमी घसीटी लेगा तुमको जबरदस्ती यू मे एक्चुअली नॉट वांट टू बट इट बिकॉजिमिटी इतना है अब वो घसीटा करा तो तुम्हारा बनता है ना इसको तो रिप्लाई करेंगे ना कोई स्ट्रेंजर थोड़ी है राइट 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 पॉसिबली आई मीन आई वोज ऑफरिंग थ्योरी बिकॉज में

ट्वीट रेहाना को पता तो नहीं क्या-क्या क्या बोला उसने हाँ। मतलब रेहाना को मान लो समझ लो ऑलमोस्ट 12 घंटे बाद तक वो ट्वीट करती वो रही कंगना रेहाना को हाँ हां पॉन स्टार से देखें कुछ थोड़ा अजीब मतलब कुछ अनस्टेबल नहीं लगता कंगना का ट्विटर देख के या उसका मतलब जो व्हाट एट लीस्ट आई व्हाट आई गेट टू सी डज इट नॉट सीम लाइक इट इज नॉर्मल है ना बहुत डिसफंक्शनल है व्हाट इज

हाँ, अबे hmm. तुम डॉग विसल क्या कर रहे हो मतलब तुम बेसिकली कह रहे हो क्लियरली पे एक सही है और एक गलत है और सही की डेफिनेशन ये सही है और गलत की डेफिनेशन ये, गलत, ये गलत, है। गलत है और उसके बाद जो तुम एविडेंस भी लेके आ रहे हो वो मैन्युफैक्चर्ड है इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए तो तुम ऐसा भी नहीं है फेयर एविडेंस उठा रहे हो या सारा एविडेंस उठा रहे हो राइट मतलब क्या तुमने नहीं करी ऐसी कंगना जहां पे यू वर यू नो नोटिस में वही पिक्चर्स होती है लोग यही पोस्ट कर रहे हैं पूरे पूरे कंपाइलेशन उन्हीं पिक्चरों के पोस्ट कर रहे हैं नीचे कि भाई तुम

तुम तो आर्टिस्ट हो तुमने तो खुद वो पार्ट्स किए हैं यू बीन अ मॉडल यू बीन थ्रू ऑल ऑफ दैट राइट माई फेवरेट इन दिस होल ड्रामा वो समन ट्वीटेड कि uh, कंगना ने किसी और uh, मूवी में कैरेक्टर पे किया है जिसका नाम रिहाना था And that tweet got viral बहुत ज़्यादा देखा मैंने वो तो उसमें भी लोग लड़ने लगे कि अरे तू रुक ना तू कहाँ टॉपिक साइड में ले गया यार बात um, करने से हाँ. हाँ. हाँ तो 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 मतलब कि <laughs> like मैं फिर भूल, मैं भूल गया ना हाँ तो, कि किन क्या सोच के ट्वीट कर रही हो मेरे दिमाग में सवाल यह आता है कि एक एजेंडा नहीं होता और मैं बहुत लास्ट आदमी हूं जो ये मानता है कि किसी का भी कोई प्रोपोगा या कोई एजेंडा है इतना बिल्कुल समझ रहा है कंट्राइव सोचा समझा प्लान है मेरे को लगता है लोगों की leanings होती हैं और वो लीनिंग्स में एक्सट्रीम हो जाते हैं पर एट दफ दर्सनल लीनिंग्स होती है मैं अभी भी ये मानने को तैयार हूं कि कंगना मतलब यू नो शीज

किसी की इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल चॉइसेस की धंजिया उड़ा रहा है कितने सब्जेक्टिव, यू नो, पॉइंट ऑफ और शी इज़ यूजिंग, रोल मॉडल, कितना इंटरेस्टिंग है, कि वो, अपने अच्छा बता रही है तो, यार, तुम 4 साल के बच्चे को अगर मैनिपुलेट कर रहे that हां कोई नुआंस कोई उसमें देयर इज सबलिमिनल यस नो मतलब नथिंग सॉर्टेड लाइक तो अगर तो 4 साल के हो तुम उसको देखो और आई अंडरस्टैंड कि केला आम केला तो तो आम, तो तो आम ये वाली फीलिंग आई अच्छा होता है ये बुरा होता है बुरा इंसान के हाथ में चाकू है बेटा ये गंदा आदमी है ये देखो इसके हाथ में बाइबल है ये अच्छा आदमी है यू गेट इट ये तो वैसी बात हो गई राइट आई मीन फॉर द एक का पूजा करती है दूसरे में संगीन आरी सब पे भारी वर्सेस लिबरल रोल मॉडल्स एंड दिस वन सेज राइट विंग रोल मॉडल वर्सेस लेफ्ट विंग रोल मॉडल आई रेस्ट माय केस इन द नरेटिव दैट कंगना हैज हैड एवर सिंस शी केम टू बॉलीवुड ऑफ द लोन पर्सन फाइटिंग अगेंस्ट द बैड इविल फोर्सेस इज व्हाट हैज इवॉल्वड

राइट एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट ओपिनियन एनी मोर बट वट एट मेंट उस टाइम पे इसकी ये इतनी डिस्टिंक्ट है ना अपने ओपिनियन फॉर्मेशन में कि इसकी सौ गंदगी में अगर तीन इंपॉर्टेंट बातें भी निकल आती हैं वो बातें सबसे अलग होती हैं मतलब उस टाइम तक एटलीस्ट जो ये और ये और तब है अर्ली सुशांत सिंह वाले टाइम पे बिल्कुल अर्ली mm -hmm. जब शी वाज द ओनली पर्सन हु वाज ड्रैगिंग दैट होल थिंग इनटू कन्वर्सेशन कि टाइप टाइप का का नेपोटिज्म नेपोटिज्म होता होता है इस का होता है ये ये टू कॉन्वर्सेशन वाले लोग एग्जिस्ट करने एक सेंस में जरूरी होते हैं क्योंकि ये एक बहुत नॉवल तरीके से सिचुएशन अप्रोच कर रहे होते हैं करने दो एग्जिस्ट मैं एट दिस पॉइंट वेर देर इज क्लियर डॉग विस्लिंग अबाउट अ वेरी ऑब्वियस राइट एंड रॉन्ग दैट लाइक इज नॉट दैट ऑब्वियस That, that demands more conversation than that. Or wo itna self centered, or matlab, like he points out, right? It's narcissistic. Itna, ha, narcissistic now. At, or fair at the end of the day. It's not even fair. It's not even fair. M my biggest complaint with this entire phenomena is why the hell do we have to even talk about it? This is a non issue. The real issue is totally maligned at this point. if the news media outlets all of them by the way are talking about Rihanna, mia khalifa and greta thunberg suddenly nobody's talking about what's more important a protest that's been dragged over months मैं कह रहा हूं यार तुम कह रहे हो 90% खालिस्तानी है अबे 10% mm. तो लेजिटिमेट कंप्लेंट्स हैं और तुम सामने से कह रहे हो कि 90% फासिज्म है सीक्स को मलाइन करने के लिए पर 10% तो जेन्युइन रिस्पांस है जेन्युइन नेगोशिएशन है उन उन इश्यूज पे मतलब ब्रो अब पॉइंट ये आ गया है जहां पे सेंस मेकिंग खत्म हो गई है और मेरे को बार बार ये मेरी फीलिंग लगती है कि मैं वट एवर साइड आई बिलोंग टू और मैं करेक्ट करूं अपनी साइड को द पीपल गॉन नट्स ऑन माई साइड दिस इज नॉट एन अटेम फॉर मी टू से राइट विंग इज क्रेजी दिस इज मी टू से डिस्कार्ड द क्रेजी पीपल ऑन द राइट विंग और एनी

like the, the rockefeller, rockefeller company these companies that have survived for so long well they're also mm. prone to hyper competition so they die off early but countries on the other hand bureaucracy the, the biggest problem that government creates is government right like small governments do better that, yeah. that is so mind-bending yeah so um, these are these are distractions we don't need here

जितने भी हाइप है कि जितने भी चेंजेस आएंगे यही म्यांमार में, right? uh, फ्री, फ्री तो में, uh, में चलते चलते इसके दौरान ही तुम्हारे रोहिंग्या की जेनोसाइड हुई लेकिन वो मिलिट्री ने करी है इसने नहीं करी ठीक है लेकिन इसने कंडेम नहीं किया आज तक इसलिए इसको तुम्हारा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने खूब झाड़ा की तुम नोबेल प्राइज हो तुम

ठीक है ये पॉलिसी हम एग्री करते हैं और तुम्हें काम पे जज करेंगे अगर वो पॉलिसी बिट्रे कर रहा है अपनी तो हम कहेंगे ये ये क्या कर रहा है है तो तो हमें ये बात बता के आया था right. राइट जो लीडर होता है, वो पर्सनैलिटी और उसके बाद जो भी वो पॉलिसी अपनाए उसका जो मेनिया क्रिएट हो रखा है पर्सनैलिटी का वो लोग अपने आप ही उसमें एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को सो ही कैन कम अप अपनी न्यू थिंग टूमो

मीन ऑफ पब्लिक ओपिनियन राइट लोग उनको हीरो की तरह देख रहे हैं देर वो उस इंसान ने कोई पॉलिसी इंपॉर्टेंट वो ही नहीं दिया उस पर वॉट ही नैरेटिव पे अपने डायलॉग बाजी प्रेजेंटेशन पे वो पर्सनैलिटी का जो उसका दबदबा है दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट एंड लेटमीट मी मेक करेक्शन टेलमी इफ दैट वर्क फॉर यू आई थिंक इट इज प्रॉबली जैसे यार ऐसा भी हो सकता है कि लीडर पॉलिसी और पब्लिक

पॉलिसी पे ज्यादा एम्फेसिस होना चाहिए बिकॉज अब गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल बाय द पीपल राइट बाय द पीपल ऑफ द पीपल लोगों के लिए है वो तुम्हारी पॉलिसीज़, तुम्हारा काम तुम्हारी इंप्लॉयमेंट जो भी हुआ है वो एक्चुअल में लोगों के लिए है हुँ. तुम एक्चुअल में यहाँ पे बैटमैन नहीं हो एंड ये सुपर सुपरमैन तुम्हारा सिंड्रोम नहीं होना चाहिए लीडर इज सुपरमैन ये होना ही नहीं चाहिए बट एक बात बताओ अभी ना पांच की दुनिया में जब सब ऑप्टिक्स पे ही चल रहा है तो तुम पर्सनालिटी को कैसे हटा भी सकते हो

जब इसने रेफ्यूजी की बात करी थी ऑफ उसने जो फेमस डायलॉग बोला था कि वी विल हैंडल या ऑफ शायद मैं गलत बोल रहा हूँ क्या कुछ था एक फ्रेज जो बहुत फेमस हुआ था इसकी पॉपुलरिटी डेप आई थी भाई तगड़ी इसने पूरी अपनी वापस मारी है कोरोना वायरस के जो भी इसने से जर्मनी में हैंडल किया है एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट सब ऊपर लाई अपनी सही करी है समझ लो अब जाके इसकी वापस इसकी पार्टी की पोजिशन सही हुई है वहां कोई मेनिया नहीं है वो एक सेकंड में वोट आउट कर देंगे और तैयार भी है ऐसे देखो ऐसा नहीं कि आप जो कह रहे हो कि हर जगह अप्लाई करता है ये फनाटिसिज्म, फनाटिसिज्म, यू नो। ब्रो, यार ये ये मतलब मेरे को, मैंने फनाटिसिज्म बहुत देखा है ब्रो, हमारे है क्रिक, क्रिकेट को लेके सेम फनाटिसिज्म होता रहा आवाज फिर? नहीं, नहीं आरी, आरी है, Bollywood, Bollywood में वो होता था एक लेवल का लाइक वन काइंड ऑफ सीन फनाटिसिज्म पॉप दैट्स प्रोन टू टू बी मोर केयरफुल We 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 are 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 way too young to realize that we are free. As a a a country, never been it's, free. It's too. Do, yeah, yeah yeah I think on a, on a, on us a level ट एक, एक में ही जीते हैं जहां पे हमें पता है हम फ्री नहीं हैं यानी कि hmm. हमें रिलाई करना है किसी ना किसी तरह की स्ट्रॉन्ग मैन अथॉरिटी पे hmm. तो कांग्रेस इवन दो सिंपल से बात करो <laughs> मनमोहन सिंह के टर्म पे देश

एक जो यूरोप ने जो ट्रोमा साहब वो था एक हीरो जो कि से समझ ना अलग ही ग्रीसियन लेवल का हाँ, वो, हाँ, वो तो हाँ। स्केप्टिसिज्म आया हाँ। और वो स्केप्टिसिज्म हमारी देश की पूरी कलेक्टिव उसमें नहीं है ना हमारी तो हमेशा गाड़ मारी गई ना तो हमारे अंदर एक विंडिक्टिव फीलिंग रहती है हमेशा से खटास है हमारे अंदर ये जो हमारी करंट current... चेंज करता हूं anyway, तो देखो इसलिए सिंपल अगर भारतीय कोई बात करते सुनो तो मोस्ट कॉमन चीज जो आ जाती है फोर पे वो होता है हमारी चीज बेटर वरना हम कम है इक्वल नहीं हो सकते हम पता है मेरे प्रॉब्लम क्या है मैं अपने दिमाग जा? में इक्वल समझता हूँ हर एक इंसान को पता नहीं कैसे हाँ. मैंने अचीव कर लिया माइंड सेट आइडियोलॉजिकली तो तुम गोरे हो चाहे काले हो चाहे कुछ भी हो चाहे कोई कंट्री हो इंडिया उतना ही पावरफुल है मेरे लिए पावरफुल गलत वर्ड है uh, मैं कहूंगा अगर हम वैल्यू की बात कर रहे हैं इफ देर वॉज अगर हम एक चार्ट बना रहे वैल्यू की बात कर रहे हैं इंडिया एज एन इंडियन उतनी ही है जितनी आई थिंक एक यूरोपियन में किसी कंट्री के या एक ब्रिटिशर हो की होगी सो वेन आई मीट देम आई थिंक गुड फॉर यू फॉर बींग ब्रिटिश वाला माइंडसेट नहीं है मेरे अंदर कि हमारे साथ बुरा हुआ था आई ओन इट मेरे साथ बुरा हुआ था या हमारे कंट्री के साथ चीजें बुरी हुई थी सो so ठीक है आई अंडरस्टैंड इट एंड हमें टाइम लगेगा बट हम यू नो पॉलिसीज राइट माइंडसेट

बट जब आप उसको रियल लाइफ में प्रैक्टिस होते हुए देखते हो तो वो मोर सो so आपको उसमें शेक्सपियर की ट्रेजिडी ज्यादा दिखेंगी कि वो लेके एक क्योंकि एक इंसान एक लिमिट तक ही पावरफुल रह सकता है उसके बाद एक एक रेल में एंटर करते हो जिसको कहते हैं मैडनेस पावर करप्टिंग होती है ना तो तुम्हारे ऐसे नीचे इनका वो है ना कि वेन यू लुक इन टू दुक या ना कि भाई मैडनेस के लिए वो है आप कब ब्रेक कर जाओ आपको कोई बरवा नहीं तो पावर का भी एक लिमिट होती है हमें नहीं पता मैकबेथ से लेकर जितने भी होल यही तो है। क्या है? हमने वो चेहरा इंडियंस ने देखा ही नहीं जहां प्रोडक्टिव हो गई और काउंटर डिस्ट्रक्टिव हो गई हमारे लग गए उसकी वजह से तो हमने भी हमें चेक पे रखना है वो हमें ब्लाइंडली हम हम है आ, उसकी गलती हम सब पे ना पड़ जाए जाएली exactly. बट हमने वो रियलिटी एज अ कंट्री एज अब कॉन्टिनें नहीं झेली अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ क्या हुआ है हमारे जो लीडर थे वो लड़ते रहे राइट लेकिन eventually, जो भी हमारे जिससे लड़ रहे थे दे ओवरकेम लॉन्ग टर्म में तो हमारे चलता रहा चलता रहा चलता रहा और हमारे लास्ट जो लीडर हैं वो एक्चुअल में हमारे लिए सिसी लीडर कहे जाते हैं दिल से बताऊं राइट विंग का नैरेटिव इसलिए महात्मा गांधी में बड़ा मैनली नहीं है ना right. सिविल डिसोबीडियंस ah, वो लड़ा था hmm. हम अभी भी कहते हैं सुभाष चंद्र बोस और right. भगत सिंह को ज्यादा वैल्यू देते हैं बिकॉज hmm. वो इवन दो भगत सिंह एब्सोल्युटली लेफ्ट विंग है भाई ऑब्वियसली सोशलिस्ट था वो उसके आइडियोलॉजी जज नहीं करने वाला प्लस ट्वेंटी से लेके तुम अर्ली 20th century में सब सोशलिस्ट थे। 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 लोग। सारे थे। हाँ। <laughs> anyway, सारे इंटेलेक्चुअल तो इंडियन वाले और कुछ सा भी नहीं ब्रो अगर गवर्नमेंट इंटरव्यू नहीं करेगी तो देश नहीं चलेंगे उस टाइम को सिचुएशन ऐसी हो गई है इंडस्ट्री सारी बैठी हुई है राइट सो वी उस, उस कमिंग ऑन भी क्लास डिवाइड एक्चुअल मोनार्कियल क्लास डिवाइड था ना मतलब एक्चुअल एक्चुअल में में किंग थे रॉयल्टीयां थी और जो दिवाग दूसरा दिवाग जो डिवाइड था वो देख के लगता होगा कि भैनस ये हाँ। आज जो मॉडर्न डे बिलियनर एटलीस्ट हमारी तरह दिखता है वो हमसे कभी कभी ट्विटर पे बातें कर लेता है समझिए ना वो भी रॉयल्टी है वो तुम्हारे धूल भी नहीं जो तुम ब्रीथ करते हो वो कभी कर रहा है उसको समझ में नहीं आएगा तुम्हारी रियलिटी क्या बट हमें लगता है ये क्योंकि हमने उसकी रियलिटी नहीं जी ना लेकिन उसको पता है हमारी रियलिटी क्या है तो फेक कर सकता है ताकि हम रिलेट मार पाए एनी anyway, तो मेरा पॉइंट ये घूम फिर के कि हमारे देश में जो है भगत सिंह हो गए सुभाष चंद्र इसलिए एक एक सेंस ऑफ मैस्कुलिनिटी समझ रहे सेंस ऑफ हीरोइज्म को हम नॉस्टैल्जिक वे में देखते हैं आज भी जिसमें हुँ। क्योंकि हम कभी हीरोइकली जीते नहीं हिस्टोरियन से अगर तुम बात करो या फिर तुम खुद भी हिस्ट्री पढ़ो अशोका वॉज द लास्ट जो स्केल में कॉन्कर कर पाया हाँ

हमारे मनोपोल के बारे में बात करी जाती है हां क्योंकि तो हम कभी बात नहीं सो व्हाट यू आर बेसिकली सेइंग बिकॉज़ आई एम अ अनक्लियर ऑन द आइडिया टेल मी वेदांत इफ दिस इज व्हाट ही इज टू इज दैट देयर वर नॉट वी नॉट हैड लीडर्स हु strove outwards कि जो हाँ. that, uh, example, that, that perfect, you know, हमारी ईगो को क्वेंच करने के लिए एक यू नो बायगॉन्ट

मेरी बात समझ रहे हो लाइक अलेक्जेंडर के टाइम हाँ। पे भी चलो इवन द अलेक्जेंडर ने तो फिर भी अलेक्जेंड्रिया सिटी बनाई इतनी कितनी लाइब्रेरी बनाई फिर भी काफी बढ़िया काम करे वो छोड़ो बट हाँ। uh, तुम एक बात बता सीजर जिसने असल में हिस्ट्री पढ़ी है जूलियस सीजर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल मत ऑन द प्लैट हिस्ट्री कभी फैसिनेशन से मत पढ़ना ये लोग हाँ। सब जेनोसाइड ह्यूमन करने वाले थे मानना एक की एक गवर्नमेंट ने करी मिलिट्री ने करी जिसमें कहते हैं, दो सौ लोग मार दिए जेनोसाइड हो गई तीन सौ लोग कम कम से साल में तीन सौ लोग मारते थे एक इंसान यू अंडरस्टैंड माइंड सेट ऑफ अ अलेक्जेंडर द पर्सन जो कि अपनी एक तलवार निकालता है और एक वॉर में या एक साल में जितनी उसने कांग्रेस करी उसमें दो सो तीन सो लोग, अकेले इंसान ही पेल दिए राइट

बिकॉज़ मोरल हाँ, बहुत, हाँ, बहुत बड़ा फैक्टर होता था जब मिडीवल वॉरफे जो होती थी ना उसमें क्योंकि कितनी बार लोग भाग जाते हैं जो जो है, हाँ, हिस्ट्री पढ़ोगा बहुत बड़ी चीज होती थी और मोरल बहुत बड़ा फैक्टर होता था इसलिए अगर कोई गेम खेलता है टोटल वॉर खेला है तुम दोनों में से किसी टोटल का बाप है टोटल वॉर स्ट्रेटेजी लेवल में

के बारे में हाँ, पढ़ा हुआ है, हाँ, हाँ, है। तो मोस्ट ब्रूटल yes, हाँ, जो भी लोग यहाँ पे बैठे मैं चीजें बता रहा हूँ गांध से घुसाररिया मुंह से निकाल के हाँ और छोड़ देता लोग देख के ही गढ़ फट जाती थी चले गए ना

भाई मैं व्हाई नॉट व्हाई नॉट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना मैं तुम्हें छोटा एग्जांपल देता हूं जो का ठीक है अरे यार प्रॉब्लम हो रही है पूरी ब्रिज बनाओ ताकि आराम से हमारी सेना जा चुके पूरी इन्होंने ब्रिज कंस्ट्रक्ट करी सुंदर सी गाय मां चोद दी और फिर जाके पूरी ब्रिज जला दी वापस भी ना पाओगे तुम हां मतलब जला दी मतलब अलग ही लेवल के साइको थे तुम चंगेज खान के बारे में पढ़ना स्टूडेंट भाई

ंस एटलीस्ट कम बैक एज अपर पावर इसलिए तुम देखो यूट्यूब बहुत सारे वीडियोज हैं इंडिया सुपर पावर कब बनेगा इस पर कोई प्रिडिक्शन दे रहा है टू थाउजेंड थर्टी को खुश होते रहते हैं फॉर सम रीजन विदाउट इवन रियलाइजिंग टू थाउजेंड थर्टी तो फिर भी करीब हो गया जो कि आई डोंट थिंक पॉसिबल टू थाउजें थर्टी में हम सुपर पावर बनने वाले हैं. नहीं 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 है यार। है इस यार नौ साल बचपन में भी कह रहे थे घंटा तुम तुम कुछ कर लोगे। रियलिस्टिक नहीं है वो बात कि मेरे को पता है ना नहीं हुआ सेम चीज ये दस साल इज टू स्मॉल बट था भी बोल रहा है कौन लीडर आने वाले नेक्स्ट क्या पॉलिसी लेके आएंगे

विश और वॉन्ट और एस्पायर टू बी गुड लेन आरिंग स्टैंडर्ड इंडिविजुअलिटी का ह्यूमन को क्या मैं सिखाता हूं कंपेयर करो लोग उससे यह तरीका है आगे बढ़ने का लेकिन नेशनल तरीके में यही है आगे बढ़ने का कंपेयर करके अपनी धज्जा उड़ाओ और लड़ो और दूसरों को गाली बको ये खराब है अमेरिका खराब है वेस्टर्न कल्चर खराब है यह भी खराब है इनकी क्या हिस्ट्री है इनका क्या कल्चर है

अब चल रहा है हम जिंदा हैं फ्यूचर है ना आगे hmm. आओ बदलते हैं अपनी हिस्ट्री hmm. अब सॉरी अपना हिस्ट्री करो अपना फ्यूचर hmm. Hmm. मतलब अपनी हिस्ट्री फ्यूचर खत्म हो जाने के बाद लेट्स 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 राइट इन यू नो लाइक टेक ओनरशिप नाउ ऑफ कब तक right. पुरानी चीज को लेके हम ये कहते रहेंगे कि हमारे साथ बुरा हुआ था चलो ठीक है नो नो आई एग्री अब हमें बेहतर तभी हो सकते हैं जब जिनसे जिन्होंने बुरा किया था हम उनसे सुपीरियर हो जाएं ये कौन सी माइंडसेट है लेट्स से वो भी अच्छे हैं हम भी अच्छे हैं

That's the thing. We are still the same thing, and that's why it's so recognizable to us. That is what. Tumhara, I don't want right wing to become this. No, 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 no. There is some sensible I mean, points no, no, no. on that side, bro. Yeah. Right. There is a reason. It is not, in my view, it is not just public opinion and optics that that gets Modi to win. There is real work being done on the ground. There is stuff happening XYZ, ABC that has convinced people for more than just promises. Sirf promises nahi hai, empty promises nahi hai. काम हो रहा है जैसा भी हो रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क छोड़ दो जिससे लोग कन्विंस्ड है ठीक है इट इज द द क्रेजीज हाईजैक डिस्कोर्स मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें एक अननेसेसरी हॉलीवुड आर्टिस्ट का ओपिनियन अपनी इतनी प्रेसिंग प्रॉब्लम पे नहीं चाहिए नहीं चाहिए समझ में आता है ना ये बात कि तुम्हारे घर में लड़ाई चल रही है तुम उस पासर बाय जो स्कूटर से निकल रहा है साइड से उसका ओपिनियन नहीं चाहते भाई अपनी जिंदगी में या। मैं समझता हूं बट जो इसका रिस्पॉन्स निकल के आया है ना और जिस लेवल पे निकल के आया है इट इज प्योरली तुम हवा में मतलब ये वो बात हो मैंने गोली मार दी उस स्कूटर वाले को ओवर रिएक्ट कर गया मैं यार में मैंने ये नहीं बोला भाई अपना रास्ता ना मैंने डंडा उठाया मैंने मारा साले को क्या कर रहे हो यार किसकी बातें सुन रहे हो क्यों मतलब और यार मेरे को

ये फ्री स्पीच में हमें कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है कुल मिला के पॉइंट आता है कोई कहता है लाइन ड्रॉ वहां करनी है जहां पे आप किसी दूसरे को हर्ट नहीं कर रहे हो राइट right? अब ये भी बड़ा वैसा हो गया तो हर्ट में भी आ जाता है कि फीलिंग हर्ट नहीं किसी की राइट राइट ये तुम्हारा जॉन स्टुअर्ट मिल का आर्गुमेंट ये था कि आप किसी की राइट्स हो गई तुम्हारी जो राइट टू वो हो गई हो गई जब वो आ गया इंपेडिमेंट वहां पे आपको अपना वो कर देना है तो अब इस पे भी बहुत सारे तुम्हारे आर्गुमेंट चल रहे थे वो भी गलत है ये तो मैंने कौन मिला के ये देखा कि तुम ये नहीं कह सकते हम फ्री स्पीच के प्रोपोने, प्रोपोनेंट हैं और तुम किसी को यार आई डोंट नो खालिस्तानी फॉर एग्जांपल बड़ा एक्सट्रीम था राइट right? कि तुम खालिस्तानी क्यों बोल रही हो किसी को वो उसको बोल रही angst, anger, दिल हाँ, दिल कुछ no, But, यही है आई रन नो दिन पूरी प्रोटेस्ट ये पूरा यार ये मेनस्ट्रीम नहीं, नहीं, है ये ये मैं कुछ ही लोगों का देख रहा हूं जो कि राइट विंग से तुम्हारा आर्गुमेंट है ये आई डोंट थिंक ये मेनस्ट्रीम सब कह रहे है अरे ब्रो दिस इज नैरेटिव राइट विंग का मेनस्ट्रीम जो जो घर घर नैरेटिव है वो है राइट विंग right का नैरेटिव है ना हाँ, 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 हाँ हा। मैं यही बोल रहा हूँ ना इट्स नॉट मेनस्ट्रीम मतलब क्योंकि अगर जब लड़ाई होती है ना अगर जैसे मान एक लेफ्ट राइट right सड़क पे दूसरे पे चिल्ला रहे है ना, तो वो यही <laughs> बोल ओके तो आई डोंट नो हाउ पॉसिबल इट इज देख ब्रो एक चीज तो है

लॉजिक के अंदर कॉमेडी के अंदर के अंदर जोक मार पाए जो कि जोक अच्छा लगे hmm. Hmm. वाला भी रहा कुछ सीखने को भी मिल रहा है और वो कहता है लेकिन हमने क्या टर्म हुआ किसी की वो नहीं हर्ट करी इंसानियत यानी, आई नोट नो दर्म आई नो लाइक राइट मतलब अब ये जो ग्रेटा वाला पूरा आर्ग्यूमेंट है राइट yeah. बिकॉज right? hmm. होता क्या ब्रो? मैं जो मैं देख रहा हूँ ना मोर एंड मोर जो कहते ना एड्रेस दी एलिफेंट इन द रूम मेरे ख्याल से तैयार सब है एलिफेंट एड्रेस करने के लिए बट एक एलिफेंट रहा नहीं रूम में अब उसी एलिफेंट के ना कई होलोग्राम है

मतलब ऑब्जेक्टिव रहे ना इस पॉइंट में कोई आई डोंट हाउ वुड यू बी काम एंड सेंसिबल अबाउट समथिंग लाइक दिस इज नो वे एक्सेप्ट पॉलिटिक्स की तुम इग्नोर करो तभी तुम यहां सेंसिबल हो वरनाग्नोर ऑलो दीपल ऑन इधर साइड बिकॉज प्राइवेट बिकॉजी प्राइवेट ओपिनियन पर बेस्ड हो गई है ना

लाइट रीडिंग कर ली बिल्स की, राइट right? हमने हाँ, भी लाइट हाँ. रीडिंग क्या क्या में में होना होना जो जो कह रहा हूँ लेकिन हमें उससे फर नहीं पड़ता हमें हमारी साइड के बारे में सबसे ज्यादा क्लोजनेस तब आती है जब जो चीजें हमारे लेवल की अंडरस्टैंडिंग में घुल जाती हैं यानी कि ये हो गया मिया खलीफा इज आवर रियलिटी ना एक्सेसिबल पॉप कल्चर रियलिटी है इज व्हाट आई मीन टू से राइट आप उधर जा सकते हो आप ये बात सेम तुम्हारे रिपब्लिक भी जानते हैं <laughs> तो वो वो प्ले कर रहे हैं दोस्त राइट शम टू देम उन्हें पता है हम इससे जीत जाएंगे उन्हें पता है कि अगर हमारे 40 साल के 50 साल के जो पॉपुलेशन है उनको अगर हमें पब्लिक ओपिनियन उनका सेट करना है हमें दिखाना है देखो ये पॉन स्टार है hmm.

आपने डिस्कशन दिखाई नहीं उनको नहीं। लेकिन ये चीज है आप अप्रीटा थनबर्ग एक बात बताओ लॉजिकली बात करो ठीक है पॉइंट बाय पॉइंट अब मैं यहां टूल केट की बात नहीं कर रहा जो शेयर करी मैं उस इंसान की बात कर रहा हूं उसके पीछे क्या चलते हैं जो भी क्रिटिसिज्म है अब पॉइंट क्या है मेरा कोई एलिजेंस नहीं है दुनिया में इतनी प्रॉब्लम सोल्व करके मैं एक चीज सीख गया क्योंकि मैं राइट विंग लेफ्ट विंग अगर प्रॉब्लम भी राइट विंग लेफ्ट विंग होते हैं मैं एक बात बताऊं हर चीज के अंदर तो जितनी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करी मेरी एक आदत बन गई कि अपने से उस की पे जा के देखने को, तो मेरे को, को के से देखना आ गया। बात समझ सकता हूं बेवकूफ होगी क्योंकि हम बात कर रहे हैं चालीस में हम लोग बात कर रहे थे सोलह साल की बेवकूफी होगी ठीक है चलो बेवकूफ कह दिया आपको बहुत तालीम का अपने बारे में अच्छा फील करने को मिल गया एक सोलह साल के इंसान को बेवकूफ कहके लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट यहां पे क्या हो रहा है यू आर फीलिंग वेरी गुड अबाउट योरसेल्फ उसको चूतिया कह ठीक है चलो लेकिन वो है भी ये भी मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं का सोलह की है भाई कौन से तो दुनिया फिगर आउट कर ली अभी दूसरा एनवायरमेंटलिस्ट है या एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए काम करती है उसके hmm. जितने भी आर्ग्यूमेंट हैं या उसने स्पीचेस हैं जिसको लेकर तुम कहते हो तो ये बेवकूफ है अगर तुम स्पीच को एनालाइज करोगे अब मुझे नहीं पता किसने लिखी है ओके लेट्स बी ऑनेस्ट मैं भी नहीं कह रहा हूं मुझे पता है hmm. वो जो बोल रही है वो सही है टू थाउजेंड के जो टारगेट थे पेरिस के फ्रांस के क्लाइमेट रिकॉर्ड के अंदर सब फेल हो गए 2015 में जितने भी इन्होंने इन्होंने बनाए थे थे पूरे देश में 196 कंट्रीज जो इकट्ठा हुए लगा लिए अभी तक हुँ. वो वही तो बोलती है आके कि तुमसे लोग अपने आप को चूतिया बना रहे हो क्यों कर रहे हो ये इमोशनली बोलती है लोगों को गांडू बोलती है कि भाई तुम सब झूठ बोलो सारे देश वालों को हाउ डेयर यू जो भी बोलिए बट इट्स ट्रू एक्चुअली आई अंडरस्टैंड तुम कह रहे हो सोलह साल का बच्चा रहा है

सिर्फ 16 साल का एक ही पास कुछ मिला के देखा जाए तो अभी तक दूसरा उसने ऐसा नहीं कर दिया जिससे आप कह रहे हो तुम्हारे अंदर एक एक टेंडेंसी है सोलह साल के बच्चे को जो शायद बोलती उस ढंग से है कि आपको लगता है हा, हा, मैं इस पे हूं। और आप सुनना भी नहीं चाह रहे हो

टूल किट शेयर किया लड़की ने राइट तुम्हारा टूल किट फॉर यू ट्वीट करना है हाँ इसका वो लोग कह रहे लीक है ये लीक नहीं है उसका पता दुएट 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 था? दुएट उसका दुएट था, दुएट है लिटरली ट्वीट था तुम्हारे इस चीज में अगर आपको इंटरेस्ट है पार्टिसिपेट करना है उसने जनरली ये लिखा कि ये टूल किट है उसने टूल किट शेयर कर दी सोलह साल की है I'm pretty sure उसके दिमाग मैंने चल रहा होगा हम बहुत बड़ी में पार्ट कर रहे हैं गवर्मेंट को रियल थिंग hmm. right? sure. जो कि मेरे दिमाग घूमी राइट स्कूल वोट मोर इम्पोर्टेंटिकल इम्पॉर्ट सोलह साल की बच्ची आई अब

जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन स्टार्ट हो जाती है राइट विंग बीजेपी सरकार से दो सेकंड में आपके सामनेटिव आने लग जाएंगे कॉमन सेंस right hmm. so right. के साथ में हो ना तुम कॉमन सेंस के साथ में हो तुम दोनों अपनी right. लड़ाई कर रहे हो उससे लॉन्ग टर्म जो मैंने तेरे को टेक्स में बात बोली थी ना प्रखंड लॉन्ग टर्म एज अग कंट्री पर्सन इंडियन होने के लेके मुझे दुख होता है क्योंकि इंडियन मार रहे हैं और भाई यार यार मार रहे हैं 100 यार, 100 हर चीज कंप्रेस्ड है आज की डेट में भक्त एंटी नेशनल इस्लामोफोबिया ये ये खालिस्तानी इन, ये रियल टूल किट है आज के मॉडर्न पॉलिटिकल डिस्कोर्स की ये वो चीजें हैं जो तुम बैटमैन की तरह बाहर निकालते हो और फेंकते हो तुम्हें लगता है इससे कुछ हो जाएगा और जितना नुआंस होता है और जरूरत है एक एक बिलियन डेढ़ बिलियन बड़े देश के लिए पॉलिसी बनाने में उसकी हो गई है माँ बहन एक क्योंकि तुम इंटरेस्टेड हो सही होने में तुम्हारा इंटरेस्ट यह है कि मैं इंटरनेट पे लोगों के सामने जहां तुमने अपनी डिस्प्ले पिक्चर नहीं लगा रखी अपना नाम नहीं लगा रखा तुम्हें घंटा घंटा फर्क नहीं पड़ता वहां तुम्हें सही होना है ये टूल किट तुम्हें मीडिया वाले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि उनको अपना क्योंकि मर्च लो बता रहा हूँ दोनों साइड कर रहे हैं ठीक है ग्रुप में करो और आप फिर उस में आ गए ना एको में बिल्कुल यार तो अब आपके पास दो रूल वो बच गई हैं आपकी जॉब है एक तो पहले तो भाई छोटा भाई के पास आया तो संदीप महेश्वर के पास चले जा जा तो, चल जा जाते हो <laughs> हमसे सीख लेते हो काम कैसे करना है <laughs> hmm. तो वो आपकी जिंदगी रिक्वायरमेंट है तो आपको चाहिए क्या कर रहा है हम लोग से ये जो लाइफ है आपकी वहां पे तुम हमसे कटते हो फिर तुम जाते हो इधर जहां पे तुम्हारे दो रूल्स बनते हैं एक है कि तुम्हें जीतना है लड़ाइयों में दूसरा तुम्हें रिक्रूट करना है तुम्हें लिविंग रूम में रिक्रूट करना ड्राइंग रूम्स में तुम्हें हॉलवेज में तुम्हें कैंटीन्स में यहाँ पे अपनी लड़ाइयों की औकात देख लो रिक्रूट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये ग्रुप थिंकिंग है भाई ये ग्रुप

परमानेंटली आपने जो भी जनरेशन को रिक्रूट किया है इस ब्रेन वॉशिंग से कंस्पिरेसी थ्योरीज की डेंजर लेवल कंस्पिसी थोरी कहां से वो अब अनवॉश होने वाले हैं हैं अनलर्न करने वाले वो वो रिक्रूट हो गए भाई परमानेंटली मरते दम तक वो अब इसी तरह की थिंकिंग में जाते रहेंगे तो so, आप अब हमारे साथ भी कर रहे हो ये चीज कुछ ही टाइम में हमारे देश में वासियों को ये कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही है आर ऑलरेडी देयर एक्चुअली अब तुम तो वोट सी uh, <coughs> yeah. yeah. आप बस यू नो भार केजेशन भारभी दो कौन कहा किसी वास्तव पड़ा यार

I realized okay this is organized you know hmm. कुछ लोग and yeah. I would I imagine दुनिया में कोई भी इंसान जब आप एक लेवल पे काम कर रहे होते हो और किसी उस चीज का स्केल बढ़ा जाता है ऑर्गेनाइजेशन आपका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है तो मुझे मुझे दिखा वो ऑर्गेनाइज ही है right कि उन्होंने सब कर hmm. रखा इस डेट को मैं ये करना है अंबानी अदानी इंडिया के साथ ये हो रहा है इंडिया तुम्हारा यू नो रिग्रेस्ट कर रहा है फैसिस्ट इसमें इसमें हमें इसलिए इधर करना ये हैश दे दिया उन्होंने पूरा बना के द क्वेश्चन वो सी बनाया किसने

समझ गया हाँ. और ये जिसने बनाई है देख नॉट रिहाना ग्रेटर ये सबसे मतलब नहीं है ये जिसने भी चार्जशीट बनाई है इसको हम हाँ. क्योंकि रिलीजियस यू नो इन सारे तुम्हारे सोशल रिलीजियस ट्रेडिशनल जो भी समझ गए ना इन किसी ना किसी ग्राउंड पे हाँ. ये वो कर रहे हैं खूट डालना हाँ. इन्साइटमेंट चल रही है समझ ना तू कह रहा है मतलब भाई मेरे को नहीं नहीं लगता पुलिस 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 ये काम कर सकती है हैस तू पुलिस ने पुलिस ने नहीं नहीं करा पुलिस नहीं करा लिस करा गूगल गूगल किसी ने गूगल पे तो बहुत लेवल पे बहुत ही वेग तरीके से लिखा हुआ है अरे दिल्ली पुलिस के दिल्ली ने वो किया पुलिस के तुम्हारे 3 घंटे पहले कांग्रेस

अभी तक बॉलीवुड को वो विलन नहीं मिला था बॉलीवुड विलन था <laughs> अभी बॉलीवुड का ये देखो गोरे दे लोग हम इनकी नहीं सुनेंगे समझ गए भाई तुम्हारे लिए क्या सॉलिड वो मारा तुमने अपने इंडिया में भी तो चला था बॉलीवुड विलन था लोग जो स्ट्रगल रहे थे वो विलन के इंडिया की रियलिटी को जैसे एलियन से आ जाता है ना तो कंट्री अब यूनाइट हो जाता है

I overall think Sasha Kaushik was such a better conversation to have. Than what happened? <laughs> here. See, Actually, because this call, con this, this conversation, conversation has na. has no conclusion. The only conclusion is कि तुम ignore करो but कब तुम ignore कर भी नहीं सकते इसको। I consciously chose कि मैं Twitter Twitter पे अपने Instagram वगैरह पे कहीं इसके बारे में बात नहीं करूँगा but how will you ignore this? Just call everybody who is part of this conversation dumb. That's how you shut them down. All of them. मतलब। I mean the because nobody is focusing on the Pravas. तुमने No Chomsky का नाम मेरे से पूछना तो है हां तुम दोनों तुम दोनों से ही पूछ रहा हूं नोम चोम्सकी हां चोम्सकी का एक एक पूरा कांसेप्ट है ना मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट का ये बुक है उसकी हां पूरी राइट एक्जेक्टली ही इज नोन फॉर दैट कॉइनिंग दैट टर्म एंड दैट कांसेप्ट ये एक्जेक्टली वही है ब्रो यू क्रिएट अ प्रॉब्लम यू मैन्युफैक्चर कंसेंट यू डिस्ट्रैक्ट पीपल अवे फ्रॉम रियल इश्यूज दैट्स हिज एंटायर आर्गुमेंट वेरी सिंपलिस्टिकली एंड दिस एक्जेक्टली स्मार्ट मैन हां तो वो तो मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट इज एवरीवेयर राइट नाउ नोम चोम्सकी इज अबाउट टू डाई सो यू नो 32 साल का हो गया हो तो दिस दिस व्हाट मेरे को लगता तो है है कि हमको कुछ तो कुछ कुछ ना कुछ नया मेरा, मिलता मेरा पता क्या होगी अगर हाँ, आप भी मुझे नहीं पता कितनी आने वाली हैं राइट जब हम हाँ, मुझे नहीं पता क्लिप भी मैं कैसे कर टू no सोच रहा है बहुत सारा नुआ चाहेगा और लोग पागल की तरह आते हैं फिर भी मैं तो लाइव स्ट्रीम में जो बैठा होता है देर स्टिल लाइक यू नो एक अलग उससे तो एक context, को कर पाते हैं। क्लिप में वाइब लॉस्ट हो चुकी होती है hmm. सडनली इंसान पहले तो प्री -कंसीव नोशन साथ के साथ तलवार लेके आता है तो वो right. क्लिप की जो कॉमेंट सेक्शन होता है मैं दिमागी फट जाता है मैंने कहा पागल पागलों या तो देख लो लाइव स्ट्रीम या फिर क्लिप ही ना डाले एनी वे मैं मेरी जो विनती है लोगों से मेरी तो वही होगी कि पांच सेकंड के लिए भाड़ में सही गलत कौन है या फिर डम कौन है तुमसे क्या मतलब राइट right, वही बात आ गई ना कि हम uh, सोलह साल की लड़की उसको डम बोलने उसमें कौन जीत गया ऑब्वियस <laughs> <laughs> है ना अठारह के भी अगर कोई लोग कह रहे थे तो भी वही बात है ना अठारह सोलह में कौन सा कौन सा उखाड़ लेता कोई सो so एनी anyway, मैं ये कहूंगा कि इफ यू कुड ट्राई टू थिंक की लाइफ में कॉमन सेंस या कॉमन सेंसिकल क्या चीज है इसमें से वट एवर यू गेटिंग इन टू कॉमन सेंस का पॉइंट ऑफ व्यू भगवान के नाम पर अगर आप एंटरटेन कर सकते हो अपने दिमाग में दैट्स अ बिगिनिंग खुलने में

बस ऐसे hmm. तुम ओपिनियन रख लो अपने बायसिज रख लो अपने बट कॉन्वर्सेशन yeah. के लिए ओपन रहो क्योंकि अल्टीमेट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है पूरी सिचुएशन में वो उस रूट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है लिविंग रूम कॉन्वर्सेशन और कैंटीन कॉन्वर्सेशन जीतना नहीं है राइट डोंट फॉरगेट दैट आई फील लाइक लाइक पीपल फॉरगेट द फंडामेंटल इश्यू इज स्टिल अलाइव आफ्टर यूर डन विनिंग योर लिविंग रूम बैटल ओवर चाय

You have to that human. कुछ yeah, लोग इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ क्लाइमेट चेंज समझते हैंजीतानी एक्सवाईजी राहुल गांधी शशि थरूर और ऑन दी अदर साइड सो ऑन एंड सो ऑन एक स्केल पे एग्जिस्ट करते, hmm. so so करते हैं एक ग्रेडियंट पे एग्जिस्ट करते हैं उसको कंप्रेस मत करो इन वर्ड में जो फैशिस्ट खालिस्तान any ye jo bhi jo bhi librando jo bhi words chalte hain because that destroys the entire process of moving forward then hmm. you made communication impossible because you've packaged everything in these small little components and then passed it off khatam to tumhe deal nahi karna na jaise akash mishra ho gaye aur ye sham jo bhi hai main ek baat batata hu if if only they instead of calling each other bhakt ya phir librando they just called each other bhai ya behan maybe All a lot mean? of them will listen to them akash mishra kaun I'm sorry. वो, <laughs> <या, आ, देखा। laughs> वो इंसान उसको डिफेंड करने के चक्कर में अब वो और स्ट्रॉन्गली मानने लग जाएगा जो वो हो सकता है तुम्हारे पास आया हो स्टार्टिंग में क्वेश्चन लेके या तुम्हारे वीडियो पे क्लिक किया उसने सोचा हो कि हाँ यार हो सकता है कोई दूसरा परसपेक्टिव मिलेगा मे भी Like in the moment you call them liberandu you've done the opposite you've 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 strengthened them plus you've destroyed the holy concept of like by between a conservative and a liberal agar wo to words un words ke meaning hai. तुमने जो ट्विटर से उठाए वो मीनिंग नहीं है उनके लिबरलिज्म भी अलग होता, होता है जॉन और... रॉल्स पढ़ो फादर ऑफ लिबरलिज्म पढ़ना पड़ेगा तुम्हें के ढंग से अरे अगर पढ़ने का टाइम होता तो ये पढ़ो इतनी बढ़िया बातें के गए भाई ये लोग यार तुमने वो सब एक मिनट में फर्जी कर दिया क्योंकि तू लिब्रांडू है और तू भक्त है

आप सिलेक्टिवेंशन ले रहे हो वहां से सिलेक्टिवली <laughs> आपको जो कन्फर्मेशन बायस मिल रही है आप बस वही बस वहीं पर उनके चैनल पे आपको वही मिलने वाली है हर नए टॉपिक के के right. अलग फॉर्म hmm. में कर रहे हो क्योंकि वो नुआंट में आपको नहीं उठाएंगे hmm. जब वो बहुत ऑब्वियसली गलत हो जाते हैं तो हो सकता है वो सॉरी बोलने uh. वो वो गेम नहीं खेल रहे ना? आई को क्या फैसिनेशन है आज अमिताभ बच्चन के बारे में बोल रहे हैं अमिताभ बच्चन खत्म है तुम्हारा चार्टो बैठा हुआ है बात कर रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ चलो इस टॉपिक को छोड़ते हुए मर गया ये टॉपिक ऐसा है हाउस तुम्हें बता रहा हूँ वॉट इज क्लब हाउस

कोई है कैपिटल पीछे मेलविन कैपिटल और मेलविन uh, कैपिटल की लग रहे थे 40 बिलियन से समथिंग उन्होंने लूज किया और जो उनके मेन इन्वेस्टर इन्वेस्टर है तीसरा नाम है पता है नाम वो मेरे साथ दो मिनट राउंड कह रहा मिकी माउस क्लब हाउस मिकी माउस क्लब हाउस नहीं मदर ऑफ डिज्नी कैरेक्टर वेरी अमेजिंग भाई तूने यूज करी है इंडिया uh, मैं, मैं डाउनलोड कर रहा हूं अभी मेरे पास आईफोन है

इस कॉन्वर्सेशन में जो भी हम कर रहे हैं ना जो वीडियो है इट इज एक बेसिकलीमेंट है हमें इनकी अटेंशन की पड़ी हुई है दिमाग में हमें उससे फर्क पड़ रहा है तो वो रिमूव कर दे मैं इसी चेयर पे बैठा हुआ था मैंने लाइटें ऑफ कर दी पीछे अपना वो चिल बैक किया और हम लोग टेलीग्राम पे मैं वरुण और सिर्ट बात कर रहे थे

दूसरा जेरोदा का तुम्हारा आ, क्या नाम है उसका तो ने, हाँ। सबके जितने भी सीईओ हैं और ये ज्यादा हाँ। क्लब हाउस में टॉक्स ये कर रहे हैं तो तुम्हारा किसी बारे में बात कर रहा है एंड तू लोगों से बातें कर रहा है

तो सुनिए सुनता वेदांत जैसे मैं और श्वेता बात कर रहे हैं तू मेरा फ्रेंड है तेरे को नोटिफिकेशन आ जाएगी प्रखर श्वेता सिटिंग इन रूम टॉकिंग अबाउट सो सो एंड तू ऑडियंस में आ गया अच्छा अगर तू कोई बंदा है जिसको मैं फॉलो करता हूँ क्लब हाउस पे तेरे एक अलग कैटेगरी बनी हुई है उसके नीचे कॉमन जनरल लिसनर्स है जो जनरली वहां पे आ गए हैं किसी ना किसी के तो अब जो एक जनरल लिसनर है उसको पता है स्पीकर्स कौन है उसको पता है वो लोग कौन है जिनको स्पीकर हाईली रेट करते हैं क्योंकि वो पीपल स्पीकर में आता है और उसके नीचे जनरल ऑडियंस है सपोज मेरे को कोई सवाल पूछना है

GameStop पे तुम्हारे जो फुटेज क्योंकि इस वक्त जर्नल तो से न्यूयॉर्क टाइम्स गार्डियन कोई भी ले लो ये दिखा जा रहा है बेसिकली की मेन स्ट्रीट मीडिया टू विच की ये पूरी चीज को पहला देर कॉल इन इडियट नहीं। of जो है अब इस 80, मुझे नहीं बताया आज का कहा था ठीक है लेकिन कल का एटी डॉलर पर रहा है ठीक है हल्का से ऊपर गया था लास्ट में फोर्टी फोर हंड्रेड से लेकर अब 80 पे वापस आ गया स्टार्ट हुआ था चौदह पंद्रह समथिंग से नहीं। नहीं।

पूरी नैरेटिव को हम दिखा सकते हैं दुनिया को और यह मेस्ट्रीम मीडिया में दिखाया कि भैया न्यूज इज सपोज टू बी फॉर द पीपल राइट नॉट फॉर द फकिंग बेलिनर्स तो बिगेस्ट थिंग जो कि इसमें एक्सपोज हुई है वही बाजू मैं एक्स में करता आता हूं जिसमें लोग मुझे कहते हैं कैपिटलिज्म के बारे में इट गॉट एक्सपोज अगेन रॉबिनहुड ऐप ने जो बंद किया एमसी और इनके स्टॉक लिमिट किए वॉट डिड इट फकिंग एक्सपोज बिग तुम्हारे न्यूज जो मेन स्ट्रीम न्यूज जो बुरी तरह से चूतिया बना रही है लोगों को उनको चूतिया कह रही है द होल फंकिंग पॉइंट ऑफ क्लब हाउस सॉरी गेमस्टॉप ऐप के जितना भी था जो स्क्वीज को शॉर्ट उन्होंने किया है सॉरी शॉर्ट को स्क्वीज जो किया है उसका पॉइंट ये था कि इनकी गाड़ मारे हैं yeah. अभी भी वही है देर लूजिंग मनी भाई जाओ उस रेडेट में देर स्टिल फकिंग होल्डिंग ऑन टू देर स्टॉक्स बिकॉज मार्क यूबन ने भी उनको ये बात कही कि पकड़े रहो तो मैं सब बताएंगे बेचो तुम छूती आओ अभी जितना कम बना सकते हो प्रॉफिट बना लो huh? जो हेज फंड थे देर स्टिल लूजिंग मनी मार्केट में ये लोग देर स्टिल लूजिंग मनी भाई एंड तेरे को मैंने अभी भेजा ही था प्रखर कि हाल ही में कि अब एस hmm. इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जिनका एक मिलियन डॉलर का साल का चेक कटता है ना? हा, 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 लो वो बचे रहे पर ये सारे जो बच्चे जिन्होंने अगर तो उसका पॉलिटिकल एनालॉजी देखेगा कि लोग आए लोगों ने बोला हम डिसाइड करेंगे अपने लिए

<laughs> फिर हम उनको बेचते हैं नहीं, हम भी कर सकते शॉर्ट शॉर्ट तो भी कर सकते हो सकता है बाद में खरीदूंगा ये बोरो करते हैं ना खरीदते नहीं है ना वो बोरो करने का मतलब देख इनिशियली क्या है वेदांत मेरा ब्रोकर है मैं ब्रोकर के थ्रू डील करता हूँ मैं ब्रोकर से बोलता हूँ सोन यार कहीं से मेरे को अरेज करके दे दे Yeah. ब्रोकर भी इंटर्न किसी और से अरेंज करके दे सकता है उस पर वो प्रॉफिट बनाई तो हाँ। कर कर तो mm, can... ट्रेड कर तेरा भी ब्रोकर है। उसको बोल फोन करके हम करते हैं शॉर्ट की मेरे को स्टॉक <laughs> बॉरो करवा दो हाँ हाँ शॉर्ट करना है शॉर्ट कॉल करते हैं इस पर तो वो ब्रोकर का प्रोसीजर है उसने बोलना है टक 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 एंटर ठीक है जाओ कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्टिंग इज लाइक सो फ कि आप बेट करते हो बेसिकली आप बेट कर रहे हो कि कौन सी होने वाली है? और जब <laughs> वो डूबेगी कंप्लीटली तो आप बाय कर लेते हो नहीं ऊपर जाते हुए पूरी तरह डूब गई तो आप तो आप सोचो क्या क्या होते हैं वही <laughs> हाँ। कोई जब पढ़ता था ना फाइनेंशियल सुबह सात क्लास लगती थी हमारी पता नहीं नॉर्थ दिल्ली में कहीं जाके सुबह सात बजे पढ़ा रहे होते थे मैं कहता हूँ हिम्मत है बच्चों की लेते मेरे दिमाग में तो चल रहा है अरे मैं शॉर्टिंग ही सुनना था मतलब मैंने कहा किस परिभाषा में

कार ठीक है भाई भाई तुम 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 करके बैठे हो हाँ, करे हो 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 लाइक सबसे बढ़िया बात क्या जब जब खुद खुद बेच रहे रहे कैपिटल बेचने लगी 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 क्रॉस ऑफ करने खरीदने मतलब और प्राइस ऊपर चला गया अपनी मार इस टाइम क्योंकि आपको खरीदना पड़ेगा जितने लोगों को चीजें समझ में नहीं आ रही जाओ प्लीज गूगल करो इन सब चीजों बारे। तुम्हारे टीचर नहीं है समझ तुम यार ये तो बहुत, और ये बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट है ये कर -कर समझ आते हैं ट्रिकी नहीं है ट्यूटोरियल बना एक्सप्लेन किया कोई पोकेमोन कार्ड से लेके समझा रहा है कोई केले लेके समझा रहा है बहुत इजी चीज है अबे सिंपल वो बताते हैं मैं क्या नाम है शॉर्ट करना क्या होता है एक कंपनी ऐसे कोई डूब रही है

आठ तो सीधे मिल गया एक बार में आप सोचो तुम ये बहुत ऊपर स्केल पे शॉर्ट होता अभी उल्टा की भाई कुछ हरामी लोग थे उन्होंने कहा अरे भाई ये शॉर्ट करके बैठे समझ लो ना दस रुपए में बेचे हैं ठीक है और ये वेट कर रहे हैं जब कंपनी डूबेगी

ठीक है अब ये करेक्ट करेगा खुद को 47 48 और नीचे आएगा जितना भी पता नहीं कितना चल रहा है तो मैं अभी से, अभी अभी से कर दूं जितने पे भी प्राइस पे और तीन दिन चार दिन बाद बेच दूं तो मैं एक मार्केट करेक्शन जो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं, उस पे बना सकता हूं। समझ रहा है, ये, ये, ये है पूरे, पूरे <laughs> पच्चीस दिन में पैसा डबल वाली स्कीम यही है

क्सुअल और फीमेल तो कहीं से इंप्लाय नहीं होता उसमें दैट इज द मोस्ट बुलशेट कॉन्ट्रोवर्सी इट इवन टॉप्स कंगना रनआउट फॉर मी ओवर लास्ट वन वीक इन द लिस्ट ऑफ बुलश कॉन्ट्रोवर्सी लॉजिकल उन्होंने चेंज भी क्या किया लोगों फिर भी वैसे का वैसे बस उसमें था वो हटा दिया बाकी सब एग्जैक्टली सेम

लोगों के चक्कर में दूसरे लोगों, लोगों, लोगों ने कुछ ना कुछ तो एक, एक तो पाठ की जो बेचारी वो लड़की थी जिसने पीछे पड़ गए की बेरोजगारी अरे वो तो पेटिशन में दिखता है ना किस किसका साइन था वो लड़की निकल के आ गई किसने करा था कौन से एनजीओ एनजीओ पता नहीं क्या था वो

even i can't tell the difference it's just so a i don't skater think no people will be able to tell the difference Haan, Mantra, but if you're if listening any... save your losses <laughs> use that material bro. nobody cares about you or your logo except that one person i don't know for what reason if you paid them you're a shitty brand if you did not <laughs> you <bought laughs> <me a shitty laughs> right like stand up to shit like that yeah my message to brands <laughs> is what the hell i understand that it is <laughs> yeah. only a slight change and you save the possibility of huge losses and public opinion or whatever but it is absolutely bullshit

प्लीज मैं ना सिग्नल यूज करूंगा मैं सिग्नल यूज अबे घंटा <laughs> सिग्नल यूज करना है कोई भी छोड़ दिया सब वार वार है। 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 तीन सबने छोड़ दिया बट तीन तीन चैट खुली हुई है मेरे सिग्नल में बस वही मेरी जय के साथ है और एक दो और जो घर पे टेक यूट्यूब वाले तो के साथ नहीं मैं ऑनेस्टली बिल्कुल दिल में हाथ रख के बताओ झूठ बोलने की जरूरत नहीं छोड़ दिया है व्हाट्सएप सबने हां

और अपने वो करना कि हाँ हाँ हा, हमने हम थ्योरी <laughs> है, है, दो मिनट नहीं लगेंगे भारत सरकार ने उसने भी यही चीज बोली थी ठीक है <laughs> कि आपका डेटा कलेक्ट <laughs> कर रहे हैं ये तो भाई ये कोई नई चीज नहीं बात कर रही तुमने हम बस बात कर रहे हैं तुम्हारे सोशल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भैया आई गेट इट अट बिहेवियरली सोशली अगर तुम देखोगे लोगों का तो घंटा लोग यूज्ड टू हो गए हैं सब चीजों से हाँ पॉइंट ये है या, आपको थ्योरी में बहुत बार पड़ेगा कि अगर आपसे अभी लड़की से बात हो रही हो पहली बार फोन पे तो आप शुरू जाएंगे उसको एक बहुत ढंग से समझाना <laughs> कि देखो होता क्या है आजकल तुम्हारा <laughs> डेटा कैसे यूज हो रहा है मैं तुम्हें समझाता हूँ सारा जैसे कि मैं रात को तीन बजे चश्मा लगा के मेट्रिक मूवी तरफ बैठे कोड ब्रेक करता हूँ सब कुछ देखता हूँ अंदर का सारा डेटा मैं तुम्हें बताऊंगा सेफ कैसे रहना है कोई भी नहीं है मेरी महान चीजों को देखने के लिए

टेलीग्राम का बताओ भाई इसराइल में ना अगर तुम्हें इफ यू वॉन्ट टू बाय पॉट इज़ द थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री टू बाय पॉट इन राइट एंड दी ओनली वे यू कैन बाय इज़ ऑन टेलीग्राम बिकॉज ग्रुप दैट यू हैव टू बी इन देन टेक्स्ट एंड दे कमेंट एवर तो अमेरिका वाले फ्रेंड्स के साथ गया था वहां पे

तुमने ये सर्च किया था ना ये एड पूरा आ गया बिल्कुल बन के एक सेकंड में बहन जो बन के आ जाता है उस चीज का गलती से मैंने पानी का जार गूगल कर दिया पानी का जार क्या लगता है मैं के? मैं मदा, मैं रहा। मैं मजाक 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 नहीं कर रहा अभी टीवी लेके आया गए कल कल परसों में मेरे को सब जगह से टीवी के एड दिख रहे हैं मैं ले भी आया हूँ टीवी अब तो फिर मेरे को एड दिख रहा है मेरे गूगल फीड में सिर्फ आर्टिकल आ रहे हैं बेस्ट फोर के टीवी कौन सा है इंडिया में कौन सा कौन सा टीवी लिया बताओ मैं तो उठा लिया था मैंने सस्ता चाइनीज लिया तू ने यार हाँ मेड इन इंडिया लिखा है बहुत बड़ा बड़ा मेड इन इंडिया लिखा है भाई यार तू मेरे से दस पंद्रह ऊपर ले लेता भाई यार मेड इन इंडिया लिखा है मतलब

अंकल से मांगे तूने एक बार भी पैसे एक में रुको रिलायंस कंपनी की भी उन्होंने टीवी की सीरीज निकाली है ना

<laughs> क्यों, नहीं है, नहीं नहीं है।, है।, दे है। या, तो। याराइटिंग करता हूँ सुपर हीरो की <laughs> लंबी <laughs> लंबी लंब बिल्डिंगों पर रात को खड़ा होता हूँ कौन सी <laughs> <laughs> है बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है मैं ऐसे खड़ा होता हूँ कई बार देखियो फोटो आती है मेरी कौन है जो लॉजिक से बात नहीं कर रहा किसने बात करीजे और

लड़की, लड़की के घर और अगर लड़की के घर जा रही है यानी कि लड़की है क्योंकि लड़की ने अपना घर ले रखा है यानी कि कल उसको ऑफिस है है तो वो बजे फ्राइडे फ्राइडे वाह में आदमी खाली बैठता घर पे वाह बेटा हम तो बैठते हैं किसी को नहीं बताया

कंफर्मेशन बायस hmm. की एक डोज पाने के लिए लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट इफ यू कैन जस्ट गिव देम दैट डोज एंड तुम्हें पता है कि राइट साइड वाले को क्या चाहिए बिकॉज इट्स सो बाइनरी एंड इट्स सो एंड सर ए मीन जितने भी है ना इनके सब ये नहीं होते इट्स नॉट जस्ट कि फॉर एग्जांपल ट्विटर पे कुछ हैंडल चल रहे हैं जो कि सिर्फ पॉलिटिकली सीरियस बातें कर रहे हैं देयर इज एन अमाउंट जो कि सीरियस तुम्हें बता देंगे हम किस लेवल पे डाइल्यूट करने वाले हैं पूरे आर्ग्यूमेंट को जो इतना बड़ा है और कुछ hmm. बताएंगे हम इस पे जोक्स भी क्या करने वाले हैं यू डोंट इवन नीड टू थिंक ऑफ समथिंग

यहाँ सब... तो. पे कुछ लोगों के जो अच्छी बुरी वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे कैसे कमाई यू नोपिंग ट्रेंड जैकिंग का सबसे बड़ा इस वक्त कौन सा बड़ा चीज है भाई ट्रेंड जैकिंग कर फॉर uh, एग्जाम्पल अगर तुम राइट से हो तो तुम दिलजिन जोसांज की ले सकते हो सोनम कपूर की ले सकते हो बॉलीवुड की ले सकते हो ग्रेटा एक गाना निकाला गाना निकाला रिहाना रीरी करके रीरी करके दो मिनट का गाना है वो एक दिन पहले उसने अनाउंस करा उसके ट्वीट पे कि मैं गाना निकाल रहा हूँ वो गाना निकाला आज वो ट्रेंडिंग नंबर टू पे है

ये बहुत ही बड़ा सौ ढाई सौ तीन सौ चार सौ वर्ड का आर्टिकल था जिसमें क्या कपड़े पहने थे कौन सी गाड़ी थी कॉफी पता नहीं कहाँ से उतना ध्यान नहीं दिया तो और... ये, ये आर्टिकल बेसिकली सारा तेंदुलकर हाँ अब सारा तेंदुलकर भी आ रहे हैं अब। <laughs> अब सारा तेंदुलकर भी कॉफी पीने जाती है सारा तेंदुलकर भी अब वो गई है कि क्या? वो वो भी एक्ट्रेस है बॉलीवुड वॉलेट में उसका एंट्री का सीन ना? ना? Why not? Why not? तो है व्हाई नॉट व्हाई नॉट मुझे नहीं पता ना मैंने देखा ही नहीं कभी उसको क्या उम्र है, है उसकी वो? बच्ची है क्या नहीं नहीं 19 20 की होने वाली होगी अब तो 20 की तो औरत होती है अभी तो शायद और कांटेक्ट होना अबे तो 19 की बच्ची तो ही ना हाँ वही तो मेरी भाई तो कह रहा हूं मैं सारा तेंदुलकर है अरे नहीं 23 साल की है 23 बट 23 आई डोंट नो मतलब फैसिलिटेट किया

नहीं वो आर्टिकल्स आ रहे होंगे लेकिन हमारा पर्सनल ओपिनियन ये है कि भाई उसकी जिंदगी है अलग सी पे बात करो जितने लोग भी अभी अल्फा अल्फा समझते थे पे? को वो जेल दे दी ना दो साल की सिमिलरली तुम्हारे उसको भी ऑंग सुन सू की Oh, भी Myanmar वाला सीन तो काफी इंटरेस्टिंग है उसको भी मिलिट्री तुम्हारा टेक उस... ओवर हो गया है कम्पलीटली बट hmm. ये सब बातें करें क्या बैठ गया समझाना पड़ेगा फिर बैठ के पूरा नहीं नही आई डोंट थिंक इतना इतना टाइम hmm. और कॉन्टेक्स्ट लगाने का भी मतलब है हम पहले एक एक सीरियस निपटा चुके हैं फिर Myanmar में क्या कू हुआ है वो समझाने अगर बैठ जाएंगे तो फिर थोड़ा और अलग डायरेक्शन पर पहुंच जाएंगे हम लोग कहना क्रिटिक का बस नया वीडियो आया है किस चीज पे आया है और अगर आए भी तो हम क्या करेंगे भाई बैठ के वीडियो देखते रहेंगे क्या मैं मैं देख रहा हूं क्रिटिक ने रॉ एंड रियल पे नया वीडियो निकाला है मैंने देखा नहीं है अभी तक क्योंकि 2 घंटे पहले आया है

हॉरर स्टोरी का सुनाओ मेरे साथ नहीं हुआ, हुआ है रात हो रही है सबकी फट जाएगी सुनाओ मेरे साथ कोई हॉरर नहीं हुआ है मैं कहां से सुना दूं स्टोरी नहीं होता दूर मेरे दूर साथ हॉरर कुछ अरे मेरे साथ कहां से कुछ हॉरर उनका मेरे घर में लाइटें-बाइटे चलती रहती है अगर मेरे को डर डर वाला ऐसा कुछ लगता नहीं है भूत-भूत से वीडियो कल आएंगे दोस्त दबा के वीडियो आने वाले टेंशन ना लो कौन से वीडियो मैं सूत्र का भी वीडियो आ रहा है मैंने ग्रीन स्क्रीन ले लिया ग्रीन स्क्रीन ले लिया फिर से पहले तो ग्रीन स्क्रीन बना देता भाई वो पेटीकोट था वो पेटीकोट था जो मूवी के बैकग्राउंड वाला था हां ये मेरे को भी ग्रीन नहीं, मेरे को ग्रीन स्क्रीन अरे ओहो बहुत ही बढ़िया वाह तुमने तुमने स्टूडियो सेट कर लिया यहां पे बिल्कुल ही मैनसूत्रा आने वाला है अब ये देख रहे हो मैनसूत्रा में ग्रीन स्क्रीन क्यों चाहिए क्या करोगे ऐसा उसको बोगो 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 नया एडिटर हायर किए हैं कंपलीट भाई देखो वो अव्वल दर्जे का कंटेंट था

स्क्रिप्ट मैंने कर ली थी बट उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो मेरे को इंटेंसिटी चाहिए थी वो प्रोटीन में आ नहीं पा रही थी तो आज मैंने के, अपनी जो तो करने लग, लग गया तो इंटेंसिटी तो, आई है।, है अभी अभी, ये gym, अभी ये करने के बाद जाऊंगा जिम ही जाऊंगा इतनी ले गया था हमारा जिम 24/7 खुला है क्या एग्जांपल बारह बजे रात को तो कितने लोग होते हैं

कल होपफुली uh, शाम के पे तक आ जाएगा वीडियो तो बेसिकली उसकी जो फिलोसफी है डेथ नोट की जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जस्टिस मोरालिटी गॉड कॉम्प्लेक्स उन सब के बारे में बैठ के हमने एक घंटे थोड़ी वार्तालाप करी है अभी उसको एडिट भी करना है वो बात आ रहा है तो इतना टाइम क्यों लगा दिया

वीकेंड पर जा रहा हूँ मैं घूमने थोड़ा घर के साथ अच्छा घर के साथ जा रहा है घर के साथ ही जा रहा हूँ फैमिली हो है हमारी एनिवर्सरी मम्मी पापा की तेरे उसमें कितने भाई बहन है मेरी एक छोटी बहन है ओके ओके कौन सी क्लास में क्लास में नहीं है अब तो कॉलेज में है मतलब एम कर रही है वो दो ही साल छोटी बहन छोटी अरे तो मेरे से छोटी होगी ना हाँ, तो 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 <laughs> <गयंगर सिस्टर्ट। laughs> जब हम साउथ के टूर पे गए थे तब करा हमने विजिटराठी कॉल ऑन पॉडकास्ट ध्रुवराठी मेरा पॉडकास्ट था उसमें हमारा कंक्लूजन अल्टीमेटली निकला कि काफी सारी चीजें जो ध्रुव बोलता है कि हम एक कुछ पॉइंट हम अग्री कर रहे थे

I mean, I can I can see that point coming in the next twelve uh, months, one year, one and a half year. तब तो तो I think ये बढ़िया चलेगा। But I mean, of course, एक एक saturation point आएगा। जब लगेगा कि ठीक है, काफ़ी अच्छा होगा। Either take this to the next level, or uh, wind it down while we're at at a peak. Because I'll tell you something, दो चीजों को तुम्हें consider करना पड़ेगा। पहला है कि भैया, इस podcast का peak क्या है? Do we just हाँ. talk about things?

या फिर ये चीज अब ज्यादा हो रही है और मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसा अभी तो एक महीने हुआ है उसको मैं कॉम्पनसेट कर लूंगा आई फकिंग फॉर इट ठीक है पर जहां मुझे पता वो ओवर हो रही है इस चक्कर में यानी कि जो लोग इस पॉडकास्ट देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और इसमें जहां पे हम लोग फिलोसफी बातें कर रहे हैं सोशल साइकोलॉजी बातें कर रहे हैं सटायर पे बातें कर रहे हैं सोशल इश्यूज पे बातें कर रहे हैं इवन ऑन पॉइंट ऑफ व्यू मैं पूरी कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू कम से कम रखू अपना कहीं से भी बायस ना घुसाड़ू हर चीज को तमीज से देखें राइट

Hmm. And that's when मेरे लिए होगा From कि फ्रॉम ऑडियंस पर्सपेक्टिव इट बिलीव डिफिकल्ट टू सेपरेट दो आइडेंटिटीज़ यस दैट्स ट्रू दैट्स व्हाट आई मीन कि जिस दिन तुम्हारा ये चीज़ यहाँ पे घुसने लग गए कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे पास रॉयन रियल के कमेंट � और अगर मैं इसको भी बहुत से जो तुम वर्ड करता, कर करता रहा हूं उसमें मैं अच्छा एडिटिंग अब मैं रहा हूं, सारी चीजें कर रहा हूँ ये। ये तुम्हें तो लोगों से राइट दूट्यूब बिजनेस एंड जो अभी तक तो मैं टोटल तो अपने तरीके से करता था वो है नॉट गिविंग अक अबाउट इवन माई वीडियो तो शुरू से तो एंड तक भड़ा से बैठे बोल दिया ना एम एड एडिटर्स यू नो ये करता हूँ वो करता तो हूँ

अगर आपको तो ले, ले, ले ले आप एक फकअप करते हो आप सॉरी बोलते हो बट आपका at the end of the day, सारा है political content ही, yeah. right? That is your main content. फिर आप उसके अलावा कर सकते हो वो सब अलग चीज hmm. hmm. I mean. मेरा मेन कंटेंट नहीं है भाई ये और ना मैं कभी करना चाहता हूँ मेरा ah, main content जो मेरे को दुनिया की सबसे कहते हैं ना पीसफुलनेस प्रोवाइड करता है

<laughs> नॉलेज <laughs> में में हाँ। भी अपनी जगह पे डालो लॉन्ग टर्म अगर दूर अपनी रियालिटी को देख पाओ हाई प्रोबेबिलिटी और लो प्रोबेबिलिटी दोनों को जज करते हुए आप खिलाड़ी हो मैं अभी यहाँ पे सिंपल फोरसाइटेडनेस की बात कर रहा हूँ एट दिस मोमेंट आई मे बी वेरी मच बट इसको मैं जब मैं लॉन्ग टर्म में देखता हूँ मेरा गेन इतना नहीं है ऑन द कंट्री आई एम पुटिंग टू मच ऑन द लाइन जो कि वेदांत नहीं कर रहा ना प्रखर पुट कर रहा है राइट एंड द थिंग जो तुम्हारा एक कोड है ना इज द वर्थ इज द the जूस या जो भी जूस वर्थ द स्कूज मूवी से जूस इज नॉट वर्थ द squeeze

भाई हम आए ही YouTube पे हैं YouTube फॉर मी जो मेरी सलील से बात हो रही थी थिंग इट इज मीडियम वी आर नॉट यूट्यूबर्स आई एम राइटर ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक ये मेरे hmm. मीडियम hmm. है पता नहीं कैसे आई लैंडेड अपॉन प्रॉब्लम सोल्विंग मेरा कोई गोल नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रॉब्लम सोल्वर बनने का मैं सूत्रा पे मैं टॉपिक से जैसे कि सेल्फ हेल्प बनाते हैं माई विडियोजर थोड़े प्रैक्टिकल हुआ करते थे थैंक यू वो मेरा स्टाइल है पता नहीं कैसे आई लैंडेड अपॉन प्रॉब्लम भेजो

जो मुझे रॉयन रियल से मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है यू नो पाने के लिए रॉयन रियल टू मी इज मोर रिस्क एक्चुअली तुम लोग रनौत राइट कंगना रनौत का पोलराइजेशन इस वक्त देखो इस टॉपिक का इनसेन है जो कि मैं चाहूंगा मुझसे सिर्फ प्रॉब्लम की वजह से मिले कंगना रनौत के चक्कर में कभी ना मिले But now hmm. they will meet me because of Kangana Ranaut, and yeah. probably they may not like what I had to say and they will not share their problem with me. Hmm. I'm more interested in that problem aspect is what I'm trying to say. मुझे नहीं फर्क पड़ता जैसे कंगना, but because of this podcast I talked about it and I may alienate a bunch That's of people. That's the audience. Segment audience कितने तरह से नहीं देख रहा? I mean अब person जिसकी side मैं help कर पाता, अब person maybe जिस मैं views के point of view से नहीं कह रहा believe me views hmm. 400 million के ऊपर हैं

ंग को आओ बैठो भाई लेफ्ट विंग को आओ बैठो भाई मुझे उससे मतलब ही नहीं है आओ इंसान के लेवल पर बात करते हैं जब मैं राइट विंग नहीं समझता तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट नहीं रही ना Hmm. तो तो बात मुझे उस जब इंसान के लेवल पे मिलते हो ना सब मस्त हैं हर इंसान इंटरेस्टिंग है हर इंसान इसलिए मैं भक्त नहीं बोलता किसी को अगर मेरे से कभी निकल भी गया मेरे मन में आई एम नॉट प्राउड ऑफ दैट अगर मेरे से कभी गलती मुझे याद नहीं है मैंने बोला hmm. मैं नहीं करता रिपीट आई वॉन्ट टू सिमिलरली मैं किसी को लेफ्टी लौड़ा ला नहीं बोलने वाला यू नो क्रिटिसिज्म इज अलग चीज बट इंसान व्हेन व्हेन आई आफ्टर हैविंग टॉक टू इतने सारे लोग इन माय लाइफ बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग I realized how fucking fascinating, amazing, insightful, intriguing humans are. And for you, satisfying as well to help, to be able to give solutions to the problems with them, where they can't. Also, एक बात बताता हूँ। अगर हम बात करें anomalies की, hmm. right? People who have fallen off the cliff. हम्म। hmm. उनसे भी मैं कभी भी बात कर पाऊँगा ना अगर मैं उनको अपने दिखाऊँ नहीं मेरे जो भी मेरा like एक तो मैं पता है लोग कई लोग जो होते हैं जो बहुत ही extreme पे हैं। They hmm. only want to talk to people. जो कि अग्री करते हैं उनसे हाँ, I mean, तो मैं होता है। उस सर्कल में नहीं आ रहा हाँ। you, हाँ। बहन। तो नहीं कर यू, तुम ये बात समझ भी नहीं पाए कि जो बात मैंने बोली ना जिससे तुम्हें ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर मैं सोशल साइकोलॉजी के पॉइंट से बातें कर रहा हूँ इंसान ऐसे ऐसे होते हैं या इंसानों की मैं हर्ट नहीं होने वाला अगर तुम कह रहे हो मैं भी करता हूं मैं हाथ मिलाऊंगा तुम्हारा और साथ में तुम्हारे चाय भी बनाऊंगा <laughs> पिलाऊंगा नहीं पिलाऊं इंसान हो, और चाय तो देखो मेरे कितनी बढ़िया बताता हूँ तो uh -huh. समझो मैं ऐसे सोचता हूँ अब सौ अलग चीजें हैं एक डिसग्रीमेंट के बजाय जिसमें हम अग्री कर सकते हैं या फिर आओ जोक मारते हैं आप हंसते हैं साथ में कुछ देर के लिए दैट्स मच मोर वैल्यूएबल ह्यूमन कनेक्ट

कि दिल से अगर आपने करा यार तो मैं भी रेडी हूं तुम्हारी हेल्प करने में इतना so so kaash, ये, सारे मैं ये लोगों को बता पाऊं कि इंसानों में तुम जो अपने दोस्ती गिश्तेदारी गवा दे रहे हो इंसान गवा दे रहे हो चक्कर में या दीज थिंग्स के चक्कर में तुम एक चीज समझ नहीं रहे हो तुम अपनी पर्सनैलिटी के बहुत सारे जोड़ा रहे हो Index सोचो. <laughs> कितना बढ़िया होता है index? तुमने, किसी के साथ ही हो तुम उनके साथ बैठ के एक ना एक चीज पेयर अवर्जेशन सुपरफे हम एक जोक मारते हो हम दोनों दूसरे को देख के हंसते हैं

सोशल साइकोलॉजी की खुद से स्टडी की सोशोलॉजी की खुद से जो तुम खुद से पढ़ के सीखते हो ऑब्जर्व करके जान के हो, सीखते हो हाँ। तुम उसकी उड़ा रहे हो तुम सब इंटेलेक्चुअल बनने की कैपेसिटी रखते हो तगड़े लेवल पे तगड़े लेवल पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके लेकिन तुम जब डेटा की धज्जी उड़ा दी तुमने अपना इंटरेक्शन को स्क्योर करके राइट सिंपल hmm. उसको क्या कर दिया हम इस लिमिट कर दे रहे इतने से सर्कल में जहां को हाँ हाँ मिलेगा इमेजिन करो व्हाट आर यू डूइंग टू योर द कैपेसिटी द पॉसिबिलिटीज ऑफ ह्यूमन चुके हम जनता को आज भी एक और दे देते हैं बट दीज आर माय यू नो दर यू बिलीव दि बिलीवर कोर्स दिस इज माय टीचिंग भाई कुछ भी कर सकता हूं दिस इज वॉट आई लिव फॉर जो मैं अभी बातें कर रहा हूं मेरी टीचिंग टू मी देख अबाउट बुलेट जो कि अभी निकल जाएगी बट बिकॉज ऑफ वॉट आई से दस बीस चालीस लोग आई डों मॉन दैट यार दिस इज नॉट इंपोर्टेंट यार इंपोर्टेंट ही नहीं है यार वो दस आई आई गेस मेरे को इस बात का डर लगता है

started of i think it's a good time to even reflect back um kis episode pe aa gaya in the first four five episodes we never talked about uh, news picture duniya mein kya chal raha hai yeah that that's what i was i think maybe yahi pe aane wala tha abhi jo tum bol rahe ho i mean i don't know somewhere along the lines kuch interesting hua humne beech mein uthaya topic usse i, I think, think that grew it and grew into a habit we became tumhara we started after tumhara france wala it became a thing because yes hua ye

तो हमने काम कर दिया लोगों के सामने एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर दी कॉन्ट्रैक्ट रो रियल का जहां पे अब um, तो अगर वो नहीं करते हैंगे तो हैंगे, तो लोग लो, नहीं नहीं देंगे। yes, अगर नहीं करते लो, तुम्हारे घुसेड़ you know, देते बॉम्बार करते वो तुम्हें भैया बात करो या फिर तुमने ओ फ्रांस के इशू में बात कर ली इंडिया के इशू में बात नहीं करी एंड हम सब नहीं रियलाइज नहीं किया तीनों ने

क्या एंड दिस इजरस आई थिंकेंट विज से राइट आई डोट अब मैं जो बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे दैर इज माई टोल जो इसको प्राइवेट कर दो यार पॉइंट नहीं है मेरे को कोई डर नहीं है बट मेरी कंसर्न जो है मुझे पता है Hmm. जैसे मैं श्वेता गंगवार हूं राइट वेन एम नॉट लाइक की हाँ बात करते हैं वेन आई स्टार्ट टॉकिंग इमोशनली एंड आई एम जस्ट अ पर्सन नाउन आई बिकम पोलिटिकल सोल्वर आई एम नो मोर असन जैसे इंसान में जो देखता है नोस संधि की पोलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है यू no तो उसको भाई कहा लाइन ड्रॉ करनी है राइट hmm. right? वो कर रहा है कि भाई मेरे को यहाँ पे लोग की परेशानियों में बातें करनी है अपनी थोड़ी बहुत फिलोसफी शेयर करनी है ये बात करनी है है एंड ही डज दैट स्ट्रिक्टली उसने लाइन ड्रॉ कर वो नहीं करने वाला एंड दैट्स इट इसलिए तुम हमेशा उसको एक ही तरीके से देखते रहोगे मेरे को पहले एक भ्रम तोड़ना था ब्रॉय का एक बहुत बड़ा मेरा एक बोभी था क्योंकि मेरे साथ ये हो रहा था कि श्वेता भाई 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 मुझे वो भ्रम तोड़ना कि मैं मैं वो नहीं हूँ जो लोग आइडल बनाने लग जाते हैं

सुबह मेरा नाइट फॉल हो रखा teenager, you, like, mm. oh, shit, था कैन आई बी वेरी ऑनेस्ट संदीप माहेश्वरी के साथ भी जब वो सत्रह सोलह पंद्रह के होंगे इनके साथ ऑफर चीजें हुई हैं इनके भी घरों mm. में एक बार इनको ऐसे करते हुए कुछ करते पकड़ लिया बट जब आप वो पूरा ह्यूमन एस्पेक्ट ही रिमूव कर देते हो तो वो इट कॉन्ट्रीडिक्स विद माई कॉन्सेप्ट इन द बुक ऑल्सो राइट हमारा परसेप्शन जो बिल्ड होता चला जाता है। hmm. तो जो मेरी टीचिंग्स हैं, मैं एक्शन से भी दिखाऊंगा ना भाई तो मैं hmm. वो अब मेरे साथ ना हो तो मैं यहाँ पे तुम्हें ताकि hmm. 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 एक और बात बोलता हूँ थिंग्स इस पॉडकास्ट में तुम सिंपली नोटिस कर पाओ मैंने गालियां बहुत कम पकी हैं कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है गालियां कम बोलना पीपल थिंक विदाउट गंगवार Associate directly करते हैं गालियों से हो नहीं सकता गाली ना बोल पाऊँ? पूरा पॉडकास्ट देख लो मुश्किल से कम गालियां गालियां देता है इवन देरी दिमाग में आपको तुम्हें लगता है भाई इतनी बकचौती कर लेता हूँ मैं क्या ये फिल्टर एड करना मेरे लिए बड़ी बात होगी गालियों वाला फिल्टर में एक सेकेंड का काम है

Like, you know, exactly. मजा आता है एक घंटे बैठा तो मैं एक घंटे रुका नहीं बोलते क्या एक घंटे कल पचास मिनट से ऊपर की वीडियो होगी तो मतलब की मेरे को वो कॉन्टेंट बनाने में मजा आता है

किम कड़ा अपनी बर्थडे में सेलिब्रेट करी थी कोरोना वायरस में yeah. साइड ले रहा हूँ so, अगर मेरा ऑब्जेक्ट है तो दिखाना सोचते कैसे हैं, और नए वेरी गुड ऑप्शन वो रिलेटेल है तुम देख सकते और जुड़ी हुई है एंड ऑल्सो बहुत सारे जुड़े में आपके जब आपके प्री कंसीव नोशन फटते हैं तो आपको लगता है

सो जितने अपनी लाइफ में कभी बीन इन स्ट्रीम लाइक वट वी डू हमारा जीरो प्लान होता है जीरो परसेंट सब कुछ होता है सो द बेस्ट थिंग एंडस्ट थिंग अबाउट इट इज से प्रखर सोच के बैठा है पहले से ही कि हम आज बात करेंगे कंगना के बारे में तो दिस इज माई पॉइंट से ठीक है एक प्रखर में लोन एंड वो बात कर रहा है ये पॉइंट है देन ही वुड रीच जो भी पॉइंट पे वो सोचने वाला था बट जब वो आ जाता है इक्वेजर में जहां पे वेदा बैठा और मैं बैठा हूं हम पॉइंट को उठा के कहीं और ले जाते हैं

अगर एक इंसान की प्रॉब्लम है उसने, वो सर्च करा, फिर उसने वीडियो दिखा और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई फिर उसको नया परसपेक्टिव मिला तो उसके दिमाग में इमेज अलग वो किसी पोलिटिकल टॉपिक से आ रहा है

से नहीं करते। 100 से? कि आप ये क्या न्यूज देख रहे हो आप कैसे बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो आप ये कैसे मान सकते हो ये फेक है ये इंसान ये है तिहाड़ी है अगर जी न्यूज देखते हैं तो समझ गया ना अरे वो करता है वो करता है

समझने दो खून तो नहीं कर रही ना किसी का जाके ज़्यादा-ज़्यादा क्या कर रही है, जाके बीजेपी को वोट कराएंगी। करने दो।, ना। उनकी दो को दोस्ती रखनी है अप्लाई करो पछड़े देखो अपने क्यों क्या मिल जाएगा छोड़ो आप सौ अलग एवेन्यूज हैं पे आप उससे इंसान से मिल सकते हो लोग कह रहे हैं भाई मैं लिबर्टेरियन तो हूँ सोशल लिबर्टेरियन हूँ इकोनॉमिकली नहीं ठीक है मेरी इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल फिलोसॉफिकल बिलीफ है कि इंसान के पास अपनी राइट right है वो एक साठ साल ऑलमोस्ट होने वाली इंसान है अगर मैं ये नहीं कहूं कि उनको जिसको वोट करना है वो उनकी चॉइस नहीं होनी चाहिए तो फिर, तो फिर भाई, किस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा हूं मैं चूतिया दुनिया का सबसे उनकी जिंदगी भाई whole fucking point of voting यही है कि एक इंसान को जिसको vote करना है वो कर सकता है that's अ right to vote करो अगर vote तो वो वोट yeah. करेंगे ना कैसी बेवकूफ वाली बातें बात कर रहे हो कर नहीं करने दो <laughs> उनकी जिंदगी <जिन्थी> है भाई <laughs> तो मैं वोट करना जाके तुम जाके अपनी पार्टी को वोट करो जैसे वो तुम्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते तुम उनको इन्फ्लुएंस ना करो ना यार hmm. ठीक है आई थिंक अब 3 घंटे 10 मिनट भी हो गए हैं 3 घंटे के ऊपर हो गए हम लोग यार आई थिंक द कंक्लूजन टू दिस फ्रॉम व्हाट आई कैन सी इज दैट we'll we'll just cut down on the cut down kya shut down on the stuff that is not something that you want to talk about as simple as that humne baat kari humne discussion kiya hai pehle aage ka bhi kuch lagega to chal kare ek bande ne bahut badhiya question pucha when you get a srk or salman on your main channel isn't it similar to talking on political lobby besides kangna otherwise you are losing a huge chunk dekho yaar salman aur shahrukh i think maine kya bhi thodi der pehle baat kari there that you क्या? have to pick your battles mm. <laughs> it's that's how life works bhai That's नहीं how में है, आगे आगे नहीं तुम्हें देखना है कि कौन सी चीजें जो मेरे दिल के करीबाइस नहीं, नहीं, हूं। हूं। नहीं है यहाँ मेरी इंटेग्रिटी और मेरी आइडियोलॉजी आ जाती है मैं फंडामेंटली अगर नहीं बिलीव करता मैं झूठा आऊंगा तुमसे कहा कि शाहरुख खान की नई मूवी आ रही है नहीं कर सकता ना मैं अगर बहुत अच्छी मूवी आ रही है

ये मेरी राइट है समझो इस चीज को ये दुश्मनी नहीं है नहीं। कंगना रनावत चाहे कुछ भी बात करे भगवान ना करे कभी उसको डिप्रेशन हो भगवान ना करे उसकी खुशी में कभी कोई लाइफ में कमी आए एज एन इंडिविजुअल भगवान ना करे उसके हैप्पीनेस इंडेक्स में तुम लोगों को लगता है मैं रणवीर अलाबादिया से हम लोगों को प्राउंड है भगवान करे उसको सारी खुशी मिले जो जिंदगी में चाहिए ये मेरा दिल से बता रहा हूं असली थॉट है तुम लोग को साथ बहुत बड़े हम में रहते हो कि मैं कोई क्योंकि हम हैं तो लोगों को लगता है ये होंगे, हमें आता। जो चीज लाइफ में तुम्हें जा रही है ना उसकी रियलिटी बहुत कुछ और होती है अब मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ मेरे दिल से भगवान करे भाई उसको सारी खुशी मिले अच्छा प्यार मिले लाइफ में उसकी हैप्पीनेस इंडेक्स ऊपर रहे उसको जो चाहिए और मेंटल हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है सक्सेस भी कितनी बड़ी चीज नहीं होती खुश रहा है भाई इंसान है भाई वो उसके मम्मी पापा है कभी ऐसे सोचते हो किसी को गाली ये सोचने से क्रिटिसाइज करना डिसीजन मेकिंग चॉइसेस उसका कंटेंट वो अलग चीज हो गई यार बट हमेशा एक चीज सोचा करो उसके पापा ने उसको छोटा होगा अपने गोद में लिया होगा बे ऐसे जब जबेक्टिव से कभी देखोगे ना पूरा परसपेक्टिव बन है बदल जाता है इंसानियत का हिल हिल जाता जाता है है भाई मैं ऐसे देखता हूँ दुनिया को कि कैसे हर्ट कर सकता हूं एक बच्चा होगा उसको हाथ ने खिलाया होगा चला होगा ये पहली बार अब किसी ने कभी इसको पहली बार रुलाया होगा अब एक इंसान है यार कुछ भी हो इंसान है अनलेस मर्डर रेपिस्ट हो तो ऐसे समझो मेरे भाई हर चीज को ऐसे देखता हूँ मेरे शाहरुख खान से कोई दुश्मनी नहीं है तुम लोग बहुत बेवकूफों वाली बात करते हो कभी कभी कैसा लगता है ऐसे कि श्वता जैसे कोई बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है मन में फ्रस्ट्रेटेडो भरी सिर्फ सिर्फ लड़ाई करने आ मेरी लाइफ में मेरा कोई दुश्मन नहीं है तुम लोग अभी समझते नहीं हो कभी रहा ही नहीं, नहीं कोई दुश्मन क्योंकि रियलिटी में ऐसी भाई सब खुश रहो क्या करना क्या करूंगा तुमसे दुश्मन नहीं करके खुश रहो भगवान कर है। है तो, तो करके खुशी की बातें बर्बाद हो जाए उससे क्या मिलेगा मुझे किसी का बर्बाद हो जाए मुझे दस पैसे का कुछ खुशी मिलने वाली नहीं दस दस पैसे का मेरे अकाउंट में बेनिफिट होने वाला नहीं

प्लेजर और में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तुम कह सकते हो हाँ, किसी की बर्बादी हो हो रही अच्छा लग रहा है। दस में हो है में खत्म जाता वो भी नहीं होता मैं समझो मजे लेना बकचोदी करना एक अलग चीज होती है और मैं बकचोदी भी इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे दिल में वो नहीं है ना मैं दिल से वैसे नहीं देख नहीं है मेरे को फर्क नहीं पड़ता यार उस लेवल पे अगर, अगर दिख रहा है मुझे की वाला बॉडर हो रहा है मैं भाई, मैं क्या, मैं किस भी लेवल पे सॉरी बोलने को तैयार हूँ मुझे कोई वो वाला ईगो भी नहीं है भाई इंसान है सब हाथ जोड़ के भाई माफी मांगने कोई परेशानी नहीं होती एक सेकंड में भाई अगर जहाँ गलती है तो मानो क्यों गलती नहीं भी है अगर गलती से भी गलती हो गई

तुम्हें नहीं है टोटल तो रखो जो मुझे जो भी इंसान इस चैट में से रियल लाइफ में मिला है बताओ मैं कितना फ्रस्ट्रेटेड था, या कितना बकचोदी करते हैं मिला तुमसे एकदम इंसान वाली रिस्पेक्ट ना दी हो क्या भाई बैठो यार दो दो घंटे बैठ गया साथ बाहर बैठ गया भाई ये तो लेके बताओ क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं अबे लोग जल्दी लोग नंबर दे देते हैं अपना और मैं कहता हूँ ले लो भाई नंबर देना ले ले क्या करेगा कॉल ही करेगा मैं बात कह रहा हूँ अरे क्योंकि जब क्लैरिटी होती है आपको और मेरे पॉइंट्स क्लियर है ना, हाँ, भी भी है। है ना तथ्य सामने आर्ग्यूमेंट रखना तो चौधरी थोड़ी बन जाऊंगा ढंग से रखूंगा ताकि तुम जब सुनो आर्ग्यूमेंट भाई बात सही कह सही बात ना जब पता है की इतने पढ़े लिखे हैं इतनी बातें हैं कि सही हो सकते हैं और अपनी बात में भरोसा है तो सही होंगे भी क्यों नहीं भाई लाइफ का पॉइंट ही यही है जितने लोग लिख रहे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स सब लोग अगर ना पाओ यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत लो है सैडली काफी यू हैव टू वर्क ऑन दिस एज इंडिविजुअल्स हम सबको एंड उसके लिए मैं इसलिए बात करता हूँ मम्मी पापा जो भी है देखो उनको और नजरिए बदलो देखने के देखो हम गुस्सा हो रहे हैं वो मे भी शायद उनकी वजह से हो ही नहीं रहा हमारे परसेप्शन से वजह से हम गुस्सा कैरी कर रहे हैं उनके प्रति दुश्मनियां जो आ रही है कम्पेरिजन के चक्कर में वो दुश्मनियां इसलिए आ रही है क्योंकि उन्होंने हमारे मुंह पे कहा कि हम कॉम्पिटिशन है या फिर अपने दिमाग में कम्पीट करके उनको हारते हुए देखना चाहते हैं मरते हुए देखना चाहते हैं पेन में देखना चाहते हैं क्या कर रहे हो खुशी नहीं मिलेगी कभी तुम जितना तड़पते रहोगे ना वो देखने के लिए तुम रोज मर रहे हो

कहीं ना कहीं करके मिलेंगे बैठेंगे भी करेंगे टेंशन ना लो मेरे मुंबई जो, जो करनी मीट थी ना हाँ। दो दो तीन तीन घंटा मीट खत्म होने के बाद बाहर में लोगों के साथ दो घंटा बैठ के बाहर लोग ने अब उनसे भी बातें अभी थोड़ी होकर मीट गया चलो दोस्त मा कोई पूछ रहा है तुम भी इंसान हो तो नहीं जितने मैं हूं परेशानी है अगर मैं सॉल्व कर सकता हूँ और तुम सामने मिल गए अभी तो ले लो ना सोल्यूशन तुरंत लो बोलते निकलो फिर

तो कुछ चिंता, चिंता की बात नहीं है अदर शोस दैट आई एम प्लानिंग राइट जिसमें हम लोग बकचोदी करने वाले हैं पीपल लव जब बकचोदी करते हैं हम लोग आई सॉ दैट लाइक पीपल लव आवर कॉमेडिक साइड एज़ वेल तो भाई वो ज्यादा बेटर है उस साइड उस साइड हमें ज्यादा थोड़ा हाथ पर मारने की कोशिश करनी चाहिए एंड वी कैन ऑफ कोर्स हैव दिस मिक्स या एंड बेसिकली एक लाइन ड्रॉप करने का टाइम आई थिंक इट्स इट्स राइट हियर इट्स द राइट टाइम नहीं लास्ट एपिसोड नहीं है चिंता मत करो अगले थर्सडे फिर आ जाएंगे तुम परेशान मत हो जब होने वाला हो तो बता देंगे तुमको चिंता ना करो ठीक है चलो ओके जनता गुड नाइट गुड बाय